तो हम इस वीडियो में बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, कैरेक्टर्स कैसे लिखते हैं वो सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको पढ़वाऊंगा, फिर मैं ट्रिक लिखूंगा कि कैसे लिखी जाती है। तो पहले वो रीड करते हैं कंटेंट को। तो लिखा हुआ है, एंटनी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, ही इज द रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस रेफर टू इन द टाइटल ऑफ द प्ले। एंटनी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का, और वो वेनिस का रिच मर्चेंट है, जैसा कि उसको रेफर किया गया है टाइटल ऑफ द प्ले में, प्ले के टाइटल में रेफर किया गया है। क्या होता है पढ़ेंगे समझेंगे इसका मीनिंग, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर पैसिव है और सबमिसिव नेचर है उसका। डेट गोज अगेंस्ट हिम टू बी कंसिडर्ड द हीरो ऑफ द प्ले, जो कि उसके अगेंस्ट चला जाता है, जो कि उसके क्या चला जाता है, अगेंस्ट चला जाता है। और किस चीज़ के अगेंस्ट चला जाता है, टू बी कंसिडर्ड द हीरो ऑफ द प्ले, उसी के उस नेचर की वजह से, उसको हीरो नहीं समझा जाता है। इसका मतलब ये है, उसी के उस नेचर की वजह से उसको उस प्ले का हीरो नहीं समझा जाता, उसी के नेचर की वजह से ये नेचर उसका इतने अगेंस्ट चला जाता है कि अगर ये नेचर नहीं होता उसका तो उसको हम हीरो समझते, लेकिन उसका नेचर कुछ ऐसा है कि अब हम उसको हीरो नहीं समझ पाते। नो डाउट देर आर मैनी हु कंसिडर हिम हीरोइक, हाँ फिर भी नो डाउट बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको फिर भी हीरो समझते हैं, फिर भी उसको क्या समझते हैं, हीरो समझते हैं। बिकॉज ऑफ द स्टर्लिंग क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, एक नया वर्ड मिलेगा आपको, स्टर्लिंग क्वालिटीज, उसकी कुछ क्वालिटीज़ की वजह से, उसके कुछ क्वालिटीज़ की वजह से जो उसके कैरेक्टर में है, उसके कुछ कैरेक्टर में कुछ क्वालिटीज हैं उसके कैरेक्टर की वजह से लोग उसे हीरो समझते हैं। सर कैसी क्वालिटीज हैं उसके अंदर, सर वो ऑनेस्ट था, ऑनेस्टी उसकी, उसकी सिंसियरिटी, अपने दूसरी हर तरह से हेल्प करता है, ह्यूमिलिटी, काफ़ी काइंड भी था वो। बट वॉट अबाउट हिज लो सोम बिहेवियर विद साइलो, बट फिर भी उसका एक बैड बिहेवियर था, अभी एग्जैक्ट में लिखाऊंगा कि लो सोम मतलब क्या बैड बिहेवियर, बट फिर भी उसका एक, बट अब वो कह रहा है ठीक है, अब कुछ लोगों का कहना है ना, कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ठीक है, वो ऑनेस्ट है, सिंसियर है, ह्यूमिलिटी है। तो क्वेश्चन पूछा है इसी के अंदर कि वट अबाउट हिज लो सोम बिहेवियर, उसके उस गंदे उस रूड बिहेवियर का क्या, जो वो साइलो के साथ रखता है तो उस बिहेवियर का क्या। फिर कहते हैं मेलनकोली रिमेन्स इनएक्सप्लिकेबल इन द प्ले, नया मीनिंग समझेंगे इनके, क्या मीनिंग है इनके। इट इज बिकॉज ही इज अ लोनर, बाय ऑल गेसेस ही इज नो वाइफ नो चिल्ड्रन नो फैमिली एंड इवन नो वुमेन, वो कह रहा है कि वो बहुत अकेला, क्योंकि वो ऐसा क्यों, क्योंकि वो अकेला है। बाय ऑल गेसेस, सब लोग जानते हैं, सभी लोगों का अंदाजा है कि उसकी ना तो कोई वाइफ है, ना उसके बच्चे हैं, ना उसकी तो फैमिली है, ना ही चक्कर है, इवन नो वुमेन चक्कर है, इवन नो वुमेन मतलब क्या, उसके जिंदगी में कोई और भी लेडी नहीं है। सच्चा मैन डिस्पाइट हिज वेल्थ, ऐसा इंसान बहुत सारे पैसा होने के बावजूद भी, डेस्पाइट मीन तो बावजूद, डेस्पाइट का मीन क्या होता है बावजूद, इंस्टेड ऑफ, ऐसा इंसान इतना सारा पैसा होने के बाद भी इज बाउंड टू रिमेन सैड, सर ये तो होना ही है, ऐसा इंसान जो अकेला है और बहुत सारा पैसा है वो तो सैड रहेगा ही रहेगा। रिडीमिंग क्वालिटी इन हिज कैरेक्टर इज ऑफ कोर्स इज बाउंडलेस लव फॉर द फैमिली, कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं, बाउंडलेस लव और बस है, देखते हैं क्या है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन हिज लाइफ, ओके ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिखना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं। सेलेनियम सेज आई थिंक ही ओनली लव्स द वर्ल्ड फॉर हिम, ही सीम्स टू बी अनकॉन्शियसली जेलस ऑफ पोर्सिया, दिस इज क्लियर फ्रॉम हिज लेटर दैट ही रोट टू बसैनी, इफ यू लव डू नॉट परसुएड यू टू कम लेट नॉट माई लेटर, दो ही हेल्प बसैनी टू विन द हैंड ऑफ द पोर्सिया इन मैरिज, ही फियर्स दैट ही विल बी इग्नोर्ड बाई बसैनी आफ्टर हिज मैरिज विद पोर्सिया, द फैक्ट दैट बसैनी डेट इज टू बी पेड विद एंटोनियस प्लेस इज सिग्निफिकेंट, शोइंग हाउ बाइंडिंग देयर फ्रेंडशिप इज। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आप मेरे को बताते जाना, जैसे इसका मीनिंग आपको नहीं पता हो ना, फिर मैं बाद में सारे बता दूंगा, मार्क्स प्रोता करते हैं वो तो मैं मार्क्स प्रोता कराते जा रहा हूँ। आपको कोई ऐसा वर्ड है जो आपको लगता है कि नहीं सर इसका ही मीनिंग बता दो, तो आप मुझे बता देना, ठीक है, माफ कर लूँगा, ठीक है। यस सर, ये है इसके ऊपर आएगा ये, एंटोनियस पैसिविटी इन हिज ग्रेटेस्ट वीक,
Antonio's passivity is his greatest weakness. He feels except defeat even before the fight begins. His speech in the trial scene, I am tainted feather of the flock. दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अभी जिस चीज की डिस्क्राइब कर रही है ये सीन अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। मीटेस्ट फॉर दैट कंफर्म्स दैट ही टू सून ईल्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ हिज कैरेक्टर इज क्वाइट रेपल्सिव हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स साइलोक रिमेन्स प्रॉब्लमेटिक वेन साइलोक पॉइंट्स आउट When Psylocke points out how he misbehaved with him, he is provoked and says that he is likely to do so again. And this at a time when he has come to Psylocke to ask for a loan, no normal person can be impractical. In short, Antonio is generous, genial, and stoic, but he is weak in will. And prejudiced against those who do not see eye to eye with him. बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मेरे को लिखवाने हैं तो एक जगह पे नोट कर लो है ना ताकि आपको बाद में जब आप इसको पढ़ो तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंस हो जाए समझना। कहाँ गया? ठीक है पहला पढ़ लो सब में से। सब में से मतलब होता है जब आप किसी की बात को सुनते रहते हो। जब किसी की बातों को सुनते रहते हो तो आप किसी की बातों को कब सुनते रहते हो? जब बहुत काइंड होते हैं। बहुत सारे बहुत से होते हैं हम्बल होते हो तो इसका मीनिंग होता है हम्बल होना। उसका नेचर कैसा था? वो काफी हम्बल था। सर ये चीज़ तो यहाँ पर भी लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है सर? इस बार से यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पे एक चीज़ को बार बार घुमा कर लिख रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज में लिख रहे हैं। सबमिसिव मतलब क्या होता है? हम्बल। ठीक है पैसिव का मतलब लिखो। टॉलरेंस का मीनिंग पता है आपको? टॉलरेंस का टॉलरेंस क्या होता है? क्या होता है टॉलरेंस का मीनिंग? दरअसल किसी चीज को कंट्रोल करने की, हाँ पेशेंस रखने की तरह है ना, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है तो उसका मीनिंग लिख रहा हूँ टॉलरेंट। वो काफी सहनशील था, वो चीजों को बियर कर लेता था, वो जल्दी गुस्सा नहीं होता था, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता था। अगर कोई उसके साथ मिसबिहेव भी करे तो उसको सहन कर लेता था। वो ये नहीं कि तुम गुस्सा कर देता था। ठीक है ऑनेस्टी का पता होगा तो सीधे लोथिस्म लिखो। हेटफुल लोकसंस मतलब क्या? हेटफुल बहुत अच्छा था ये, बहुत अच्छा। लेकिन साइलोक को देख कर ना इसको एकदम से अलग ही गुस्सा नहीं लगता था। साइलोक को देख कर ही हेट करता था। मेलनकॉली लिखो। मेलनकॉली सैडनेस का सिनोनिम है ये। लिख लिया पैसे हो गया, लोथम हो गया, मेडिकल हो। इनएक्सप्लिकेबल ये वर्ड आपको पता चला होगा। अनएक्सप्लेनेबल उसी का सुनने में ये जो बात हम कह ना सकें। डेस्पाइट मतलब इन स्पीड ऑफ
हो गया रिडीमिंग. अब रिडीमिंग का मीनिंग मैं आपको कैसे लिख रहा हूँ, द रिडीमिंग क्वालिटी इन दिस कैरेक्टर इज अ बाउंडलेस स्टफ. और रिडीमिंग मतलब ये लिख लो, रिडीमिंग क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी लिख लो आप, होली क्वालिटी लिख सकते हो, होली क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी कुछ ऐसा मीनिंग निकल रहा है इसका. ठीक है, बाउंडलेस का मतलब लिमिटलेस, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, यानी बचपन से बहुत प्यार करता था, कोई लिमिट ही नहीं है, अनकॉन्शियस का मीनिंग पता है, मैंने मार्क नहीं करवाया था, पता है कि आपको वैसे आया ना, पता है, ठीक है, याद नहीं आ रहा अभी हर को. कॉन्शियस मतलब होता होश में होना, कॉन्शियस मतलब क्या होता होश में होना, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाते हो. तो अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है, लिखो देखो, अनकॉन्शियस को बेहोश होने के इंग्लिश में और क्या बोलते होंगे, पेन नहीं फेंट एक अलग चीज हो गई. अच्छा मैं आपको पहले हाँ समझा दूँ कौन सा अनकॉन्शियस का मीनिंग क्या है. ये हम जनरली हम लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश हो जाना, पर अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होना नहीं, कभी कभी होता है हम क्लास में बैठे होते हैं पर हमारा ध्यान कहीं और ही होता है, हमें ध्यान कहीं और लगाना चाहिए पर हमारा ध्यान कहीं और ही होता है, तो उसको बोलते हैं कि आप अनकॉन्शियस हो गए, आप अनकॉन्शियस हो गए, जहाँ पे आपको होश लगाना चाहिए था, जहाँ पर आपको ध्यान लगाना चाहिए था, आप वहाँ पर ध्यान लगा कहीं और ही लगा रहे हो. ठीक है, तो आप इसको इनसेंसिबल बोल सकते हो, इनसेंसिबल या सेंसलेस, लेस है ना, सेंस लेस है ना, इनसेंसिबल या सेंसलेस. सर, पर उसका मतलब क्या बनेगा लाइन ये चीज. ये इसका मतलब ये है कि पोर्ट से कौन सी प्ले होता हूँ. सर ठीक है, अब भसाने से कौन प्यार करता था, एंटोनियो, पोर्शिया एंटोनियो. अच्छा उल्टा कर रहे हो, नहीं ठीक सर, है पोर्शिया भी हाँ तो समझ करती गए थी बिल्कुल सेकंड सीन बिल्कुल. में, हाँ पता है. यानी एंटोनियो भसाने का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड है पोर्सा से प्यार करता है, तो उसको जलन होती है, इसको एंटोनियो को जलन होती है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ना मुझसे कंपेयर करता है, पोर्सा से ज़्यादा प्यार करता है. और इस अनकॉन्शियस जेलस का मतलब ये है कि अगर ये होश में भी ना हो ना एंटोनियो, एंटोनियो होश में भी ना हो फिर भी उससे जलता ही रहेगा, चाहे कोई बात हो चाहे ना बात हो, उसको जलन फिर भी होती है उससे पोर्सा से, होती है, उसका दोस्त है, अब वो चाहता है कि उसका दोस्त उससे ज़्यादा प्यार करे, तो बोरी लाइन है. ठीक है, ये मेन था यहाँ पे, यहाँ पे ओके वर्ड नहीं था, अच्छा ऊपर था वो. पैसिविटी को लिख लो, पैसिव का ये एडजेक्टिव हो जाएगा ना, एंटोनियो से पैसिविटी, हाँ ये एडजेक्टिव है, लिख लो एडजेक्टिव ऑफ पैसिविज्म, जो अभी पैसिव का मीनिंग होता है पैसिव बिहेवियर, पैसिव बिहेवियर जो था सर उसी की एडजेक्टिव फॉर्म है ये. टॉलरेंस लिख लो बेशक, आपको अगर ऐसे लिखना हो ना टॉलरेंस, वहां पे टॉलरेंट लिखा था, यहाँ पे टॉलरेंस लिखो. लिख लिया टेंटेड का मीनिंग, मैं आपको बाद में लिखवाता हूँ, पहले मैं इसका देख लो कि ये ना सर, मैंने ये ये लाइन लैटिन हमने इंग्लिश लिखी पढ़ी है. नहीं हाँ है. ये हमने बिल्कुल नहीं पढ़ी, ये बात का सीन है, ये लैटिन इंग्लिश लिखी हुई है, ये वर्ड आपको डिक्शनरी में मिलेगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे, आप कैमरा ऑफ कर लो अपना, ऑफ है आपका कैमरा, ठीक है. आई एम टेंटेड, ठीक है. फ्लॉक का मीनिंग तो पता होगा, फ्लॉक तो हम ग्रुप ऑफ सीप को बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, एक टेंटेड वेदर ऑफ फ्लॉक. हाँ इसका आप हिंदी, अगर हिंदी मीनिंग बताऊँ तो इसका हिंदी मीनिंग आप ये कह सकते हैं कि टेंटेड वेदर, टेंटेड मतलब ऐसे खराब, टेंटेड का मतलब होता है दाग, टेंटेड मतलब क्या दाग धब्बा, और यहाँ पे भी वेदर का मतलब कहने का इनका मतलब पार्ट एक ही, एक ग्रुप का पार्ट है, और कैसा पार्ट है ये,
ये फ्लॉप का पार्ट है यानी ग्रुप ऑफ शिप का एक पार्ट है, और कैसा पार्ट है, इस पर दग्गे लगे, दाग लगे हैं। क्या लगे हैं? दाग। यानी कहना चाह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं खराब इंसान हूँ। मैं क्या हूँ? खराब इंसान हूँ, बेसिकली कहना चाह रहे हैं। मैं खराब इंसान हूँ, मीन टेस्ट फॉर द डेथ, जिसको मर जाना चाहिए, जिसको मर जाना चाहिए। तो पूरे का मीनिंग आप देख लो, बेसिकली पूरे फेस का, He's like a sick sheep in the herd, only sheep will be taken out from the herd. यानी वो एक ऐसे बीमार सिप की तरह है। वो एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा तो वो एक ऐसा सिप है, एक ऐसा बीमार सिप है जिसको आपको ग्रुप में रखना नहीं चाहिए। वो केवल किस लायक है? उसको तो ग्रुप से निकाल देने लायक है, वो तो केवल ग्रुप से निकाल देने लायक है, ताकि उसको मार दे जाए, ताकि उसको मार दे जाए, फॉर फॉर स्लॉटर, मतलब क्या, मार दिया जाए। इसका अगर स्टोरी के अंदर क्या मीनिंग है, प्ले के अंदर, कि उसको मार देना चाहिए। वो क्या है बेसिकली, उसको मार देना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मीनिंग लिख लिया आपने? हाँ, नोट कर लेना मीनिंग, सारे नोट कर चलना, क्योंकि यहाँ पे लेटिंग इंग्लिश आती है, और बाद में आपको जब रिवाइज करूँगा तब प्रॉब्लम होगी। वीडियो देख कर आप सारा रिवाइज कर नहीं सकते कि घंटे में, ठीक है? यील्ड लिखो, कंसिडर हिट हिट ऑफ सम यील्ड। सर पहले ही मतलब बता दीजिएगा मीटेस्ट। मीटेस्ट फॉर जाती है, पूरे पूरे फेस का मीनिंग यही है कि उसको मर जाना चाहिए। मीटेस्ट फॉर का मतलब क्या, कैसा बीमार चाहिए, वो एक ऐसा बीमार, एक अलग इंसान, खराब इंसान है, जिसको मर जाना चाहिए, इसको सिंपल सा क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। इस पूरे का एक वो मीनिंग था जो ऊपर लिखा था ना मैंने, ठीक है? इल्ड के बहुत मीनिंग होते हैं, बहुत सारे मीनिंग। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट करना, मान लेना, सपोज कर लेना, सपोज कर लेना, लो सपोज, वो भी ऐसा मानता है, वो भी ऐसा मानता है। रिपल से लिख लो, अनदर एक्स एस्पेक्ट ऑफ हिज कैरेक्टर इज क्वाइट रिपल्सिव, इज क्वाइट रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब आपको मैं कैसे बताऊं, रिपल्सिव मतलब जिसको लोग पसंद ना करें, रिपल्सिव मतलब जिसको लोग पसंद ना करें, उसको आप क्या कह सकते हो, जिसको लोग पसंद ना करें, उसको आप क्या कह सकते हो? डिसलाइक। नहीं, डिसलाइक तो एक वर्ब हो गई, ये नाउन है बेसिकली, ये नाउन है यार। अनदर एस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर, हिज कैरेक्टर इज क्वाइट रिपल्सिव, उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है ना, उसके कैरेक्टर का, वो कुछ ऐसा है कि लोग उसे पसंद ही नहीं करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हो डिसटेस्टफुल, लिख लो नेस्टी, लिख लो नेस्टी, पता नेस्टी, हम कहते हैं काफी नेस्टी है, सारे काम बिगाड़ देता है, तो ऐसा ही मत लिखो। आपको इसको लिख लो, आप ऐसा अनलवेबल लिख लो, अनलवेबल, हाँ इससे आपको समझ में आ जाएगा, अनलवेबल है ना, अनलवेबल। उसका दूसरा कैरेक्टर ऐसा है कि लोग उसको लव ही ना करें, लोग उसको पसंद ही ना करें, अनलवेबल। ठीक है, प्रवोक लिखो, उत्तेजित करना, प्रवोक लिखो, प्रवोक फिर मीनिंग लिखवाते हैं इसका। आपने फेस सुना होगा बात कि आग में घी डालता है, ये इंसान तो आग में घी डालता रहता है हमेशा, कभी सुने? तो इसका मतलब क्या होता है, आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? तो कोई बात छोटी है, लेकिन दूसरा इंसान आपने ऐसे एफर्ट दे रहा है कि बात छोटी से बहुत बड़ी बन जाए, छोटी से बहुत बड़ी बन जाए, बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है, तो बढ़ा चढ़ाकर कहने को बोलते हैं प्रवोक करना। तो क्या बोलते हैं? प्रवोक करना, भड़काना। हिंदी में अगर आपको लिखना है तो इसको लिख लो भड़काना, ठीक है? और इसको सिनोनियम लिखना है इंग्लिश में तो उसको लिख सकते हो आप स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट को, और अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बताऊँ, आपके केमिस्ट्री की लैंग्वेज, बायोलॉजी की लैंग्वेज में स्टिमुलेट मतलब होता है आपके इमोशंस को, आपके इमोशंस की स्पीड को बढ़ा देना, आपके इमोशंस की स्पीड को बढ़ा देना सर, आपके इमोशंस की स्पीड को बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, आपका जो रिएक्ट करने की स्पीड होगी ना, वो फास्ट हो जाएगी,
आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाओगे, तो इसका मीनिंग है प्रोवोक मतलब क्या, बहुत जल्दी एकदम एक्साइटेड हो जाना। हाँ एक्साइटेड लिख लो इसका मीनिंग, सिंपल था एक्साइटेड, प्रोवोक का सिंपल सा लिख लो एक्साइटेड, सबसे बढ़िया। और ध्यान, एक्साइटेड हमेशा अच्छे काम के लिए नहीं होते, गलत काम के लिए हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ ही गॉट एक्साइटेड टू सून, ही गॉट एक्साइटेड टू सून। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्साइटेड मतलब अच्छा ही केस में हम बोले, गुस्सा होने को भी हम एक्साइटेड बोलेंगे कि वो बहुत जल्दी भावनाओं में आ गया। जीनियल लिखो, जीनियल नीचे जो लिखा हुआ है, हम कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप देखोगे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आप उनसे कितनी बातचीत करने की कोशिश करो या तो आपसे बात करेगा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब आप उनको रिलेटिव से घर पे ले जाओ, वो शांति से बैठ रहेंगे, शांति से जाके कोने में बैठ रहेंगे, लोगों से बातचीत ही नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जानते नहीं हो, बल्कि वो आपके घर में स्ट्रेंजर है, फिर भी आके समोसे ऐसे बात करते, समोसे घुल मिल जाता है। ऐसे लोग होते नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि लोगों से घुल मिल नहीं पाते, कुछ लोग होते हैं घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग घुलने मिलने वाले लोगों को क्या बोलते हैं कि बहुत मिलनसार है, मिलनसार यानी का और है ना, तो इसको बोलते हैं जीनियल। जीनियल सर हिंदी इंग्लिश में आप बता दो तो इंग्लिश में आप कह सकते हो, आज के टाइम पे हम मोस्टली और यूज़ करते हैं, काफ़ी फ्रेंडली है ये, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है हमारे साथ, ये काफ़ी फ्रेंडली है। तो लिख सकते हो फ्रेंडली, फ्रेंडली के एक फ्रेंडली कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इसका, ये तो मैं आपको बस रेफरेंस के बता रहा हूँ कि आज के टाइम पे लोगों को जीनियल वर्ड नहीं पता, वो फ्रेंडली फ्रेंडली वर्ड यूज़ करते हैं कि इंसान बहुत फ्रेंडली है, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। आपने भी कभी यूज़ किया होगा किसी स्ट्रेंजर को देखकर, 4 दिन हुए नहीं आए हुए, तो एकदम ऐसा दोस्त ऐसा बन गया तुम्हारा, कुछ ही बातें करता कैसे भी कर लेता है। ठीक है, एक लास्ट वर्ड है आपको, वो लिख लो स्टॉइक, नहीं एक और वर्ड है क्या, स्टॉइक लिखो, स्टॉइक मतलब लिखो आपको इनडिफरेंस का मीनिंग पता है, इनडिफरेंस का मीनिंग, इनडिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स नहीं पता, हिंदी में लिख लो आप इसको, हिंदी में इसको आप लिख सकते हो। अच्छा ये लिखो पर्सन, पर्सन हैविंग, पर्सन हैविंग नो इफेक्ट ऑफ फीलिंग्स, पर्सन हैविंग नो इफेक्ट ऑफ फीलिंग्स, ऐसा इंसान जिस पर फीलिंग्स का कोई असर ही ना पड़े, ऐसा इंसान जिस पर फीलिंग्स का कोई फर्क ही ना पड़े। सर आप उसको घर पे अकेला छोड़ के चले गए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो घर में बहुत सारे लोग आ गए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को बोलते हैं उनको चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके साथ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो वो नॉर्मली रहते हैं, वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं होने देते हैं, वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही तो था, ये दूसरों से मतलब ही नहीं रखता था ये। एक तो प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस लिखो, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा ये वर्ड मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, पार्सल, पार्सल होना, उसमें हमने डिस्क्रिमिनेट पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेटेड लिख लो, डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेट लिख लो, पार्सल लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब एक बार ये पढ़ते हैं दोबारा से और फिर देखेंगे कि सर जो हमने लिखा हुआ है ना, हम इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। इससे भी अच्छा मतलब लिखने का मतलब ये है कि आप एक दो अच्छे होंगे, एक बच्चा ये बुक वाला याद करके आएगा, इधर लिख के आएगा, और एक आप लिख के जाना उस तरीके से, तो मार्क्स आपके ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि लिखने के तरीके के मार्क्स होते हैं। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, पर कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट करें ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझते, पहला वाला पैराग्राफ मैं छोड़ देता हूँ, ये मैंने आपको बता देता है ना, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, मैंने यहाँ से थोड़ा फास्ट किया था, सॉरी यहाँ से मैं थोड़ा फास्ट कर दिया था ना, तो यहाँ तक नहीं मैंने स्टार्ट करा था। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन हिज लाइफ, वो कह रहा है वो जो अपने बसने से जो प्यार करता है ना, उसकी जो दोस्ती है बस वही उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिर सेलेनियो कहता है, सेलेनियो कहता है आई थिंक ही ओनली लव द वर्ल्ड फॉर हिम, आई थिंक ही ओनली लव द वर्ल्ड फॉर हिम। ठीक है, सेलेनियो कहता है, सेलेनियो जो उसका दूसरा दोस्त होता है, यहाँ पे सेंटेंस देख के आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, पर उसका मतलब यह है कि सेलेनियो कहता है कि बसेनियो ही उसकी दुनिया है, बसेनियो ही उसके लिए उसकी क्या है,
दुनिया है। ही सीम्स टू बी अनकॉन्शियसली जेलस ऑफ पोर्सिया। वो तो ऐसा लगता है कि वो पोर्सिया से हर टाइम जलता रहता है, हर टाइम जलता रहता है, चाहे होश में चाहे ना होश में हो, ऐसा लगता है कि वो पोर्सिया से हमेशा जलता रहता है। सर ऐसा कैसे पता चलता है? दिस इज क्लियर फ्रॉम हिज लेटर। ऐसा कैसे पता चलता है कि वो पोर्सिया से जलता है? तो वो कह रहा है दिस इज क्लियर फ्रॉम हिज लेटर। उसका एक लेटर है जो उसने लिखा था बसेने को, उसे ही पता चलता है। सर क्या लिखा था उसने लेटर में? इफ योर लव डू नॉट परसुएड यू टू कम। अगर तुम्हारा लव, तुम्हारा जो प्यार है वो तुम्हारे पास नहीं आता, अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास नहीं आता, यानी कि अगर लड़की मुझे प्यार नहीं करती, लेट नॉट माई लेटर, लेट नॉट माई लेटर, तो मेरे लेटर को वापस मत आने देना। इसका मतलब ये है कि अगर पोर्सिया तुमसे प्यार नहीं करती, अगर पोर्सिया तुमसे प्यार नहीं करती है, नहीं करती है, तो मेरे लेटर को वापस मत आने देना। मेरे लेटर को वापस मत आने देने का मतलब तो मेरे लेटर को अकेले वापस मत आने देना, तुम भी साथ में वापस आ जाना, तुम भी साथ में उसको छोड़कर वापस आ जाना। तो ऑब्वियस सी बात है, यानी ये चाहता है कि अगर कि वो उसके पास ना जाए, वो मेरे पास ही रहे। इससे पता चल रहा है कि मेरा दोस्त मेरे साथ ज्यादा रहे, उसके पास ना जाए। दो ही हेल्प ऑप्शन है, पर फिर भी वो हेल्प तो करता है। आप ये नहीं कह सकते वो बेकार इंसान है, फिर वो हेल्प तो करता है बस यानी कि टू विन द हैंड ऑफ पोर्सिया इन मैरिज। फिर भी उसकी शादी होने में उसकी हेल्प तो करता है, उसकी शादी कराने के लिए बसेने की हेल्प तो वो फिर भी करता है। स्टिल ही फियर्स दैट ही विल बी इग्नोर्ड बाय बसेने। हाँ, लेकिन फिर भी उसको डर लगता है, उसकी हेल्प करता है, बट फिर भी उसको डर तो लगता है दैट ही विल बी इग्नोर्ड बाय बसेने, कि बसेने उसको इग्नोर करेगा आफ्टर हिज मैरिज विद पोर्सिया। जब उसकी शादी हो जाएगी पोर्सिया से, तब उसको इग्नोर करेगा, उसके डर लगता है, पर फिर भी वो हेल्प तो करता है। द फैक्ट दैट बसेने डेट इज टू बी पेड विद एंट्रेंस फी इज सिग्निफिकेंट। वो कह रहा है ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्या कि बसेने का जो कर्जा है ना, बसेने को जो कर्जा है, टू बी पेड विद एंटोनियस फ्लेक्स, टू बी पेड विद एंटोनियस फ्लेक्स इज सिग्निफिकेंट। अब साइन का मतलब क्या है? साइन का मीनिंग अब मैं आपको समझाता हूँ, क्लियरली समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे साइन का तो इम्पोर्टेंस है। वो कहता है बसेने का जो डेट है ना, वो जो पे करना चाहेगा ना, पे करना चाहेगा, तो वो अगर एंटोनियो को, एंटोनियो का मतलब एक कतरे को, एंटोनियो के एक एक, अगर एंटोनियो अगर मर भी जाता है, तो अगर वो एंटोनियो के एक टुकड़े को भी अगर वो मतलब पे ऑफ करने की कोशिश करे, तो वो पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने जो डेट लिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है जो उसने डेट लिया है। अब डेट लिया, डेट का लेने के साथ 5 लाख रुपये, तो उसकी वैल्यू 5 लाख ही है, नहीं 5 लाख रुपये लिए उसकी रुपीज़ की तो वैल्यू 5 लाख है, लेकिन उसने हेल्प की उसके टाइम पे, उस टाइम की वैल्यू है, उस हेल्प की वैल्यू है। शोइंग हाउ बाइंडिंग देयर फ्रेंडशिप इज, तो इससे पता चलता है कि उनकी फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है। और यहाँ पे इसका एक मीनिंग और निकल सकता है, इसका एक इंटरप्रिटेशन और निकल सकता है, लास्ट वाले लिंक के अकॉर्डिंग देखें कि बसेने का जो डेट डेट है ना, डेट उसको पे करने के लिए, उसको पे करने के लिए एंटोनियो अपना फ्लैश भी दे सकता है, एंटोनियो अपना फ्लैश भी दे सकता है, यानी एंटोनियो के लिए, बसेनियो के लिए एंटोनियो अपनी जान भी दे सकता है, बसेनियो के लिए एंटोनियो अपनी जान भी दे सकता है। दोनों तरह के इंटरप्रिटेशन यहाँ पर निकल जाएंगे, तो इस चीज से पता चलता है कि दोनों की बॉन्डिंग जो है वो कितनी ज्यादा अच्छी है। फिर कहता है एंटोनियस पैसिविटी इज हिज ग्रेटेस्ट वीकनेस। एंटोनियो का जो पैसिव होना है ना, पैसिव होना है, जिससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो किस पे रिएक्ट ही नहीं करता बहुत जल्दी, तो ये उसका जो, ये जो उसकी क्वालिटी है ना, ये इसकी एक वीकनेस है। खिला से लोगों का मानना है ही सीम्स टू एक्सेप्ट डिफीट इवन बिफोर द फाइट बिगिन। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि वो हार मान जाता है, कि वो हार मान लेता है इवन बिफोर द फाइट बिगिन, लड़ने से पहले हार मान जाता है, क्योंकि वो कोई रिएक्ट ही नहीं करता ना, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होता ना, तो वो कुछ कहता ना, तो वो गुस्सा करता, वो कुछ कहता करता ही नहीं है। तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है यानी ये रियलिटी की बात नहीं है, वो बस हिट सीम्स, ही सीम्स, ऐसा लगता है, वो ऐसा लगता है कि वो लड़ने से पहले ही हार मान जाता है, स्पीच इन द ट्रायल सीन। अब सर उसको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि लड़ने से पहले हार मान जाता है? क्योंकि एक ट्रायल चल रहा था, एक ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल के अंदर उसने कहा था कि मैं ऐसा, मतलब मैं इतना बेकार इंसान हूँ जो बिल्कुल उस शिप की तरह है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो उस शिप की तरह है, उस शिप की तरह है जो अपने ग्रुप में बीमार है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बल्कि अगर वो ग्रुप में रहे तो वो दूसरों को बीमार और कर देगी, तो दूसरों को बचाने के लिए उस शिप को अलग कर देना चाहिए ग्रुप से और मार देना चाहिए, ताकि वो बीमारी ना फैले, ताकि वो खुद लोगों में बीमारी ना फैलाए। तो वो कह रहा है कि मैं एकदम ऐसा बेकार इंसान हूँ कि मेरे से लोग और परेशान होते हैं, क्योंकि अभी ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा उसने ट्रायल में बोला था, कब बोलता था, हम आगे सीन में पढ़ेंगे। ऐसा वो बोलता है, ऐसा वो बोलता है कि कोई इनसे क्वेश्चन करता है कि तुम इतने सैड क्यों रहते हो, तुम इतने सैड रहते हो, बेसिक क्वेश्चन, तुम सैड रहते हो,
अरे हम ऊपर हम एक्ट बनने पड़ चुके, सीन बनने पड़ चुके कि बहुत सैड रहता है। स्टार्टिंग में ये बताते हुए थे कि एंटोनियो का निसर कैसा होता है, सैड होता है। तो ये कहता है कि हाँ मैं सैड रहता हूँ, मैं हूँ ही असेंशन कि मेरे साथ जो भी रहेगा वो भी सैड हो जाएगा, तो मुझे तो मार देना चाहिए, मुझे तो मार देना चाहिए। कन्फर्म दैट ही टू सून इट। और वो ये एक्सेप्ट भी करता है, वो ये एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ उसने ऐसा कहा था। फिर कहता है, फिर लिखा हुआ है अनदर एस्पेक्ट ऑफ हिज कैरेक्टर इज क्वाइट रिपल्सिव। उसका जो दूसरा कैरेक्टर है ना वो काफ़ी ना पसंदीदा है, लोग उसको पसंद ही नहीं करेंगे। क्या हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स साइलो रिमेंस प्रॉब्लमेटिक। उसका जो एटीट्यूड है ना साइलो को लेकर वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहता है। उसके पास साइलो का है, वो साइलो के पास जब प्रॉब्लम होती ही है दोनों के दूसरे से। व्हेन साइलो पॉइंट्स आउट हाउ ही मिसबिहेव्ड विद हिम इन द पास्ट। जब साइलो इशारा करता है, पॉइंट आउट मतलब क्या होता है, इशारा करना, अगर अपने नहीं पता तो लिख लो, पॉइंट आउट मतलब क्या होता है, इशारा करना, विस्परिंग। लेकिन विस्परिंग भी नहीं होता, पॉइंट आउट होता है उंगली करके इशारा करना, और विस्परिंग मतलब होता है बिना उंगली किए, केवल आंखों आंखों से या फिर कोई हाथ पर हिला हिला के इशारे करना, और पॉइंट उंगली कर रहे हो, इसकी तरफ उंगली कर रहे हो और फिर इशारा कर रहे हो। तो कह रहे वैन साइलो पॉइंट आउट हाउ ही मिसबिहेव्ड विद हिम इन द पास्ट। जब साइलो को इशारा करके बताते हैं उसकी तरफ कि उसने कितनी बुरी तरह से उसके साथ बिहेव किया था, हिज प्रोवोक्ड। वो एक्साइटेड हो गया, अब तो वो यहाँ पे एक्साइटेड हो गया, वो प्रोवोक हो गया, वो थोड़ा एग्जेजरेट हो गया, उसके इमोशन एकदम से तेज हो गए। एंड सेज दैट ही इज लाइकली टू डू सो अगेन। और वो ये भी कहता है कि मैं ऐसा दोबारा से करूँगा, ही इज लाइकली टू डू सो अगेन। वो ऐसा दोबारा से करेगा, वो ऐसा दोबारा से करेगा। लाइकली टू का मतलब क्या, चांसेस हैं, मोर देन 50% चांसेस है, यानी ज़्यादा चांसेस है कि वो ऐसा दोबारा से करेगा। एंटोनियो कहता है, अब एंटोनियो गुस्से में आ गया सॉरी जगह पे। अभी जिस सीन में जब बात होती है ना वहाँ पे एंटोनियो थोड़ा गुस्से में आता सैलोक से, और वो यहाँ पे थोड़ा एक्साइटेड होकर बोलता है कि हाँ मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ऐसा दोबारा से करूंगा, मैं ऐसा दोबारा से करूंगा, क्या करूंगा, मिसबिहेव। एंड दिस एट अ टाइम व्हेन ही हैज कम टू साइलो टू आस्क फॉर अ लोन। ठीक है, और ये सब कब होता है, ये सब कब होता है, जब वो साइलो के पास पैसे मांगने आया था। फिर साइलो कहता है, नो नॉर्मल पर्सन कैन बी इम्पैक्टेबल, कोई भी इंसान इतना इम्पैक्टेबल नहीं हो सकता, पता नहीं क्यों लाइन लिखी है यहाँ पे। तो इन शॉर्ट एंटोनी क्वालिटी का कि एंटोनी का जेनरस इंसान है, काफ़ी जीनियल है, काफ़ी घुल वो मिलनसार है, फ्रेंडली है, स्टोइक है, ज़्यादा चीज़ों का उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बट ही इज़ वीक इन विल। बट उसकी जो डिज़ायर है, डिज़ायर वो काफ़ी वीक है, लोग ऐसा बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं। एंड इज प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट दोज़ हू डू नॉट सी आई टू आई विद हिम। और उसका थोड़ा सा हार्म हो जाता है यहाँ पे, प्रेजुडाइज डिस्क्रिमिनेट तो होता ही होता है, एक बड़ा लिख लो हार्मफुल, हार्म होना। ठीक है ठीक है, और उसका हार्म हो जाता है, उसका हार्म हो जाता है यहाँ पे, उसका मीनिंग हार्म से है, और उसका हार्म हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। उसका नुकसान कब हो जाता है, जब वो ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में आता है, जब वो ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में आता है जो उससे आई टू आई कॉन्टेक्ट ना कर पाए, जो उससे आई टू आई कॉन्टेक्ट ना कर पाए, ऐसे लोग आते हैं जो उसके साथ आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं करते, तो ऐसे केस में बेचारे का हार्म हो जाता है, क्योंकि ये फिर उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। फालतू में बहुत बेकार कैरेक्टर्स कैसे, जहाँ तक मैंने अब तक मैंने जितनी बुकों में पढ़ा है मेरे को बहुत बेकार लगा ये वाला अभी तक। अरे आपको सीखना कैसे, सीखना ये है, लिखा क्या है तो इन्होंने लिखा क्या है बेसिकली, पहले एक बार क्रॉस पर करके उन्होंने लिखा क्या है। अगर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँ मैं यहाँ पर, तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर रिच मर्चेंट, उसकी क्वालिटी बताई है, पैसे समय से नेचर से उसकी क्वालिटी ही बताई है, वो ऑनेस्ट है, सिंसियर है, ठीक है, हम्बल है, क्वालिटी ही बताई है, उसका लूथसम बिहेवियर थोड़ा सा ये बताया गया है, वो काफ़ी सैड रहता है ये बताया गया है, ठीक है, उसका बहुत अपने दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैसे उसका कैरेक्टर बताया गया, कैरेक्टर बिहेवियर किस कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ये बताया गया है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बताया गया अनकॉन्शियसली, यानी वो जेलसी जेलस होता है फोर्स से, ठीक है। और ये बताया गया कि उसकी दोस्ती जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग दोस्त हैं, तो आप इसको हम ये भी कह सकते हैं, इस वाले पैराग्राफ में उन्होंने फ्रेंडशिप बताई गई है, इस वाले पैराग्राफ में उन्होंने क्या होता है फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है कि वो तो उसका कर्ज चुकाने के लिए तो फेस तक दे सकते, इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, ठीक है, फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है। और एंटोनियस वीकनेस इज ग्रेटेस्ट वीकनेस ही सेंस टू एक्सेप्ट डिफीट, उसकी वीकनेस बताई गई है, उसकी वीकनेस बताई गई है विद एग्जाम्पल, ठीक है। और लास्ट में क्या दे दिया उन्होंने, कंक्लूजन दे दिया लास्ट में, क्या दे दिया है,
कंक्लूजन, तो बेसिकली आपको मैं बताऊं कुछ नहीं है, यही एक ट्रिक है इसकी। क्या यहाँ पे तो हमने अलग अलग कर लिया, बेसिकली तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन या ब्रीफ। कैरेक्टर स्केच है ना, तो इसलिए आप इसको इंट्रोडक्शन बोलो फिर ब्रीफ बोलो इंसान का। तो इंसान के बारे में इंट्रोड्यूस करो, उस इंसान को क्या कराओ, इंट्रोड्यूस कराओ। कैरेक्टर से देखने का पैटर्न क्या होता है, उस इंसान को क्या क्या कराओ, इंट्रोड्यूस कराओ। तो कैसे इंट्रोड्यूस कराओ, बताया था ना एंटोनियो कौन है, एंटोनियो मर्चेंट का वेनिस है, इन्होंने ये तो बताया स्टार्टिंग में, सीधे एंटोनियो क्वालिटी में था, पर उसको इंट्रोड्यूस कराया कि एंटोनियो है कौन, एंटोनियो है कौन। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, और ये प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। टीचर को कैटेगराइज किया हुआ है, पहला पॉइंट क्या, आप इंट्रोड्यूस कराओ, इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, फिर उस इंसान के ना आप रोल लिखो, अगर उस प्ले के अंदर उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उस इंसान का अगर उस प्ले के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल रहा है तो उसकी इम्पोर्टेंस लिखो, इम्पोर्टेंस इन रोल लिखूँ या इम्पोर्टेंट रोल लिखूँ। आप जो इम्पोर्टेंट रोल, उसका जो रोल के अंदर जो इसकी इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस को ज़रा सिग्निफाई कराओ कि अगर ये नहीं होता तो ये जो एक्ट होता ना कितना बेकार होता, अगर ये नहीं होता तो एक्ट में मज़ा ही नहीं आता। तो उसकी इम्पोर्टेंस बताओ कि इस एक्ट के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, आप इसमें देख लेना क्या क्या लिख पाओगे, मैं बताऊँगा एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी नेक्स्ट आपके अंदर क्या हेडिंग बना सकते हो, क्वालिटी। क्वालिटी में आप क्या प्ले क्या ऐड कर देना, उसका कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर से रिलेटेड जो क्वालिटी होती है वो भी लिख सकते हो, कैरेक्टर लिख दो। ये हर जगह पे अलग अलग नहीं, ये तो अब छेड़ो पे लिखते जाओ, फिर बताता हूँ क्या बोलाऊँ मैं, एक करके बोलूँगा। फोर्थ आप इसमें लिख सकते हो कि फ्रेंडशिप के बारे में, उसकी फ्रेंडशिप के बारे में लिख सकते हो, उसकी कोई वीक साइड है, अगर जिस पर्सन के बारे में लिख रहे हो वीक साइड भी लिख रहे हो, तो आपकी वीक साइड भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, वीक साइड भी आप यहाँ पे क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो। और सिक्स में आप पूरे को क्या कर दो, कंक्लूड कर दो, कंक्लूड कर दो। कंक्लूड में आप क्या लिखना है, लिखना इन माई ओपिनियन, ऐसा मुझे लगता है। कंक्लूजन अपने ओपिनियन में देना, कंक्लूजन हमेशा कैसे देना, आपका क्या ओपिनियन है उस कैरेक्टर के बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में। ये सिक्स पॉइंट है। अब इस सिक्स पॉइंट में कुछ पॉइंट तो ऐसे जो हर कैरेक्टर स्केच में आएंगे और जो आपको लिखने ही लिखने हैं। वो पहला क्या है कि जो आपको लिखने ही लिखने हैं, दिमाग लगाओ कैसे कैसे ढूंढना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपको इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा ना, जिस कैरेक्टर के बारे में लिखने जा रही हो इतना सारा, तो पहले उसको थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर दो, ब्रीफ में क्या कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, और मैं बढ़िया बताऊँ तो और बेटर क्या रहेगा कि आप इंट्रोड्यूस करने के बाद पहले उसकी क्वालिटीज लिखो, पहले उसकी क्या लिखो, क्वालिटीज, ताकि उसका इंट्रोडक्शन और बेटर हो पाए, ताकि उसका इंट्रोडक्शन और बेटर हो पाए। ठीक है, फिर उसकी पहले उसके बाद क्या लिखो, उसकी क्वालिटीज लिखो। ठीक है, तो क्वालिटीज भी आपको मिलेंगी मिलेंगी, क्वालिटी और उसका कैरेक्टर आपको हर कैरेक्टर का मिलेगा मिलेगा। ठीक है, कैरेक्टर के बाद उसका इम्पोर्टेंट रोल लिखो। तो इम्पोर्टेंट रोल अगर उसका है तो लिखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल मैंने क्या बोला, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल का एग्जाम्पल फ्रेंडशिप ही है, आप इसमें इम्पोर्टेंट रोल कुछ अलग से नहीं लिख पाओगे, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पॉइंट एक ही रहेगा। ठीक है, तो फिर थर्ड पॉइंट क्या है, उसका इम्पोर्टेंट रोल लिखूँ, थर्ड स्टेप क्या, आपका एक इम्पोर्टेंट रोल लिखूँ जो कंपल्सरी लिखना। वीक साइड आपको किसी कैरेक्टर की मिलेगी, किसी की नहीं मिलेगी, वीक साइड आपको किसी कैरेक्टर की मिलेगी, किसी कैरेक्टर की नहीं मिलेगी। सर क्यों नहीं मिलेगी, कभी कभी कुछ ऐसे लेटर लिखे जाते हैं जहाँ पे एक इंसान को तारीफ तारीफ किया जाता है, जो राइटर है जो ऑथर है उसका परसेप्शन उस पर्सन को लेकर ऐसा है कि वो उसको अपना आइडल मानता है, तो अभी से आता है कि उसको अपना आइडल मानता है, तो उसकी बुराई नहीं लिखेगा। तो ऐसे केस में आपको वीक साइड नहीं मिल सकती। तो आपसे सारा फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखोगे, कंपल्सरीली कंक्लूजन, क्या लिखोगे, कंक्लूजन। तो ये चार पॉइंट तो किसी भी कैरेक्टर्स केस के अंदर होने चाहिए, क्या, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन और अच्छे से क्लियर करने के लिए उसके बाद में उसकी क्वालिटी देख दो, उस कैरेक्टर की क्वालिटी या फिर उस कैरेक्टर स्केच, जिसको बेसिकली बोलते हैं कैरेक्टर स्केच, जो आप कैरेक्टर स्केच, जो आप क्वालिटी वगैरह लिखते हो उसकी। ठीक है, फिर उसके इम्पोर्टेंट रोल, अरे कंक्लूजन, ये तो कंपलसरी आई है।
फिर बीच में जो आपको अलग से कंटेंट मिल जाए बीच में, और आपको अगर कुछ अलग से कंटेंट मिल जाए जो आप लिख सकते हो और उसको प्रॉपरली हेडिंग दे सकते हो तो लिख दो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अगर यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हो, मैं आपको इसी पॉइंट से बता रहा हूँ कि आपको प्रॉपर सेंटेंस आपसे कॉम्प्रेस करना ही नहीं है ना, आप लिख भी नहीं पाओगे, आप लिख भी नहीं पाओगे कि आप है ना। पहला आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, कि वो है कौन, ठीक है, कौन है वो, एक मर्चेंट है, इसको दो लाइन में लिखो, इसको एक बार में लिखो ही मत, इज द रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस, पहले लिखो इज द रिच मर्चेंट, इज द रिच मर्चेंट, तो कहाँ का रहने वाला है, ही बिलोंग्स टू वेनिस, ही बिलोंग्स टू वेनिस, अलग अलग लाइन में तोड़ तोड़ के लिखो, क्योंकि आपको ज़्यादा पॉइंट लिखने हैं, आपको ज़्यादा पॉइंट है लिखने हैं, ठीक है। अब उसका बिजनेस को आप एक्सप्लेन कर दो, उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कैरीज का, उसका काम क्या होता है कैरीज का, वो शिप्स पर, वो अपने शिप्स पर क्या करता है, सारे सामान, बहुत सारे सामान, वो सामानों को लोड अनलोड करवाता है, ये तो उसका काम था, हमने पढ़ा था सीन के अंदर, उस काम का एक्सप्लेन करो जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ उन्होंने, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो ये लिखो, फिर बताओ कि ये चाहो तो लिख सकते, आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये हम इसको हीरो मानते हैं, ये इस एक्टर कौन है, हीरो है, ये इस एक्टर मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट मत, ये मेन कैरेक्टर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप क्या देंगे, इंट्रोडक्शन, ये चीज़ तो आप भी क्या देंगे, इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हो, अगर मैं बताऊँ तो इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हो, आपके पास रफ नोटबुक, आपके पास रफ नोटबुक है तो रफ में ही साथ साथ लिखते जाओ, बेशक आप लिख सकते हो क्या, He's a rich merchant, ठीक है, belongs to Venice, आप पूरा पूरा लिखते हैं ना, आप शॉर्ट में मत लिखना, है ना, आप हाँ ऐसे हेडिंग लिख सकते हो, रिच मर्चेंट वेनिस, इतना कीवर्ड लिख सकते हो कि यहाँ पे आप बाद में समझ जाओगे कि इससे आपको सेंटेंस बनाना क्या, फिर आप उसके, फिर आप उसकी बिजनेस एक्टिविटी के बारे में लिखो, कि वो क्या काम करता है, कि वो क्या काम करता है जो उन्होंने लिखी है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी के बारे में लिखो, ब्रीफ करो कि उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, ही लव्स हिज बेस्ट फ्रेंड बसेनियो, ही लव्स हिज बेस्ट फ्रेंड बसेनियो, है ना, पहले देखो बसेनियो से लव करता है, बसेनियो से लव करता है, और जो बसेनियो कौन होता है, उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ठीक है, ये उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, ये तो इंट्रोडक्शन में हो गया, ये तो इंट्रोडक्शन में हो गया, इतना आपके 4-5 मिनट, कितने पॉइंट हो जाएंगे आराम से, कितने पॉइंट से, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल पे क्वालिटी, क्वालिटी लिखो, पे क्वालिटी लिखो, तो क्वालिटी याद कर लेना, ये क्वालिटी के लिए जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ करते हैं ना बुक्स में, ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स होते हैं, हमारी हमारी वोकेबलरी इतनी साउंड नहीं होती, तो काफ़ी वोकेबलरी होती है काफ़ी साउंड होती है, तो आप यहाँ से वर्ड बता सकते हो कि वो ऑनेस्ट होता है, सिंसर होता है, हम्बल होता है, ठीक है, उसका पैसिव नेचर होता है और सबमिसिव नेचर होता है, ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे क्वालिटीज में, और आप उसकी क्या क्या क्वालिटीज लिख सकते हो, जेनरस, इंजीनियर, स्टॉइक, ये सारे वहां पे लिख लो, जो अभी मैंने हेडिंग लिखवा रखा ना, हेडिंग के आगे सारे वर्ड सर्कल सराउंड सर्कल कर रहे हैं क्वालिटीज वाले, है ना। अब इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि
क्योंकि उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, क्वालिटीज के साथ साथ मैंने लिखा है कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर के बारे में बताना चाहिए कि उसका कैरेक्टर कैसा है। तो कैरेक्टर बताओ क्या, कि एक तो वो स्टोरी का उस पर किसी का फर्क नहीं पड़ता, वो पैसिव है, उसको एक्सप्लेन कर देना पैसिव का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और बता देना कि उसका साइलोग के साथ बिहेवियर सही नहीं, उसका साइलोग के साथ बिहेवियर सही नहीं है, यहाँ पे नेचर में उसी के थर्ड सेकंड वाला पॉइंट जो था ना उसी में, सेकंड वाला जो पॉइंट था कहाँ है हमारा, दो सेकंड रुकना ज़्यादा, मैं चार्जर से कनेक्ट कर लूँ। चार्जर कहाँ है क्या, क्वालिटी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कैरेक्टर में उसका बिहेवियर, कैरेक्टर में उसका बिहेवियर लिखो, उसका बिहेवियर के बारे में लिखो, उसका बिहेवियर बिहेवियर एक्सप्लेन कर दो कि उसका बिहेवियर, उसका बिहेवियर साइलोग के साथ कैसा है, बिहेवियर विद साइलोग, ठीक है। एक्सप्लेन कर सकते हो उसका रीजन, कि उसका रीज़न क्या था, और उसका रीज़न तो वैसे आपको पता ही नहीं है, आपको भी पता भी नहीं है, पता है क्यों नहीं पता, क्योंकि आपने ये वाला साइलोक वाला, साइलोक से उसकी मीटिंग होती है फर्स्ट मीटिंग, आपने पढ़ा ही नहीं ये वाला, तो उसका रीज़न सिंपल सा पता है क्या होता है, कि साइलोक ना बहुत ज़्यादा हाई रेट पर, बहुत ज़्यादा हाई रेट पर उसको पैसा उधार देता है एंटोनियो को। क्यों देता है एंटोनियो को पैसा बहुत रेट पर उधार, एक तो कास्ट का डिफरेंस, साइलोग होता है जियो, साइलोग कौन होता है जियो, और एंटोनी होता है, एंटोनी होता है क्रिश्चियन, एंटोनी कौन होता है क्रिश्चियन, और एंटोनी का जो दोस्त होता है ना लॉरेंजो, वो साइलोग की बेटी को भगा कर ले जाता है जेसिका को, तो उसको पता चलता है कि ये इसी का दोस्त है, किसी के दोस्त की वजह से मेरी बेटी भाग गई, एक दोस्त बात का बदला लेना चाहता है, दूसरा ये जियो होता है वो एंटोनी और वो क्रिश्चियन होता है। जिस टाइम पर ये पोएट लिखी गई थी, ये लिखी गई है 17 या 1800 के टाइम पे, तो उस टाइम पर पता क्या था, जो ज्यू कास्ट के लोग होते थे, ज्यू कास्ट के लोग होते थे वो क्रिश्चियन से काफ़ी नफरत करते थे, ऐसे हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू आपस में करते हैं ना, उस तरह से इन लोगों में भी नफरत होती थी, तो ये रीजन थे जिस तरह से साइलोग ना बहुत महंगी रेट पर, बहुत ज़्यादा हाई रेट पर उसको पैसा उधार देता है, और इस वजह से ना एंटोनियो को अभी बिहेवियर उसके लिए ख़राब हो जाता है। तो अभी रीजन आपको शॉर्ट में पता है, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। हाँ, क्योंकि मैं आपको ये क्यों मैं इस तरह से लिखवा रहा हूँ कि अगर आपको जब फाइनल एग्जाम में भी लिखोगे तो फाइनल एग्जाम तक तो पूरा एक्ट पढ़ चुके होगी, तो उस टाइम पर आप एक्सप्लेन कर देना अगर आ जाए तो। और एंटोनियो और साइलोग ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, एंटोनियो साइलोग और पोर्टिया, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, केवल ये तीन ही कैरेक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th का कहेंगे आपको, 12th का एंटोनियो साइलोग और पोर्टिया। साइलोग के साथ बिहेवियर भी एक्सप्लेन कर दो, और यहाँ पर आप बिहेवियर भी दो, बिहेवियर भी दो किसके साथ, एंटोनियो के साथ, बसेनियो के साथ भी एक्सप्लेन कर दो, ताकि आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंडशिप वाला उसकी एक स्टोरी बन जाए, एक रिदिम बन जाए, कि यहाँ पहले आपने एंटोनियो का बिहेवियर बताया, एंटोनियो को बिहेवियर बसेनियो का बिहेवियर बताया, फिर आप बसेनियो के साथ आपने नया वो टॉपिक स्टार्ट कर डाला, स्टोरी में वो होती है ना एक लाइन में फ्लो में चेंज चलती है, तो यहाँ पर बसेनियो के साथ आपने बताया कि बसेनियो उसका बेस्ट फ्रेंड है, बसेनियो को जान भी दे सकता है, एक समझ छोटा लिखा आपने यहाँ पे, फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट के लिखा उनके फ्रेंडशिप के बारे में, उनके फ्रेंडशिप के बारे में लिख दो, चाहे इंपॉर्टेंट रोल लिख दो, इंपॉर्टेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल में क्या लिखोगे इस वाले के अंदर, तो इंपॉर्टेंट रोल केवल कुछ नहीं है इसमें, तो बस एंटोनियो के सिंपल सा रोल क्या रहा है, किसी ने बसेनियो की अपने दोस्तों की बहुत हेल्प की, अपने दोस्तों की क्या की है, बहुत हेल्प की है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल और फ्रेंडशिप एक ही है, यहाँ पे है दोनों पॉइंट एक ही, क्या है दोनों पॉइंट एक ही, तो यहाँ पर आप फ्रेंडशिप के बारे में लिखो उसकी,
उसके फैंसी पे एक्सप्लेन करो, और ये आपके बहुत बड़े जा सकते हैं तो फैंसी पे आप एक्सप्लेन करो थोड़ी सी समझी। मैं आपको बताए बता ही रहा हूँ, थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट कर देना। और फ्रेंडशिप क्या क्या, फ्रेंडशिप में आप दो लोगों का एग्जांपल ले लेना। सबसे पहले बच्चा नहीं है, उसका बेस्ट फ्रेंड एक लॉरेंस जो है, जो कि सैलो की बिल्ड से प्यार करता है, ठीक है। तो ये बसैनियो की हेल्प करता है, पहले तो ये बसैनियो की हेल्प करता है, बसैनियो की हेल्प करता है। उसके पास, उसके पास खुद पैसे नहीं होते हैं एंटोनियो के पास, क्योंकि उसका तो सारा पैसा होता है ना वो शिप्स में फंसा होता है। अगर शिप्स का सामान उतर जाएगा तो तेरे को पैसे मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, तो उसके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन बसैनियो को नीड होती है जाने के लिए सैलो, उससे पूछ से शादी करने के लिए जाना होता है, तो ये उस अपने दोस्त के लिए नीड करने के लिए पैसा उधार ले लेता है। पहला क्या लेता है, एक तो पैसा बोरो करता है, ठीक है। फिर बोरो भी किससे करता है, एक तो बोरो करता है, अब बोरो कैसे करता है, एट अ वेरी हाई रेट, एट अ वेरी हाई रेट, हाई लैंडिंग रेट, हाई रेट, बहुत हाई रेट पर, बहुत हाई रेट पर, ये आपको लिखना पड़ेगा। बहुत हाई रेट पर आपको बोरो करके देता है, यानी कौन सा दोस्त ऐसा करेगा कि 10 रुपये के लोन ले रहे हो, 10 रुपये उधार लोन ले रहे हो, 10 रुपये उधार ले रहे हो, और 500 रुपये ब्याज दे रहे हो 50% ऑल, तो बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। तो इतनी हाई रेट पर ये पैसा उधार लेके अपने हेल्थ दोस्त की हेल्प करता है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन आप कर सकते हो लॉरेंजो की भी हेल्प करता है। लॉरेंजो की हेल्प कैसे कराता है, टू गेट मेरी गेट मैरी जेसिका होती है ना, हाँ जेसिका, गेट मैरी जेसिका, जेसिका से शादी करने में उसकी हेल्प कराता है, उसको भगाने में, रन अवे फ्रॉम द हाउस एंड उसको घर से भगाने में, फिर उसकी शादी करने में उसकी हेल्प कराता है। यहाँ पर बोले दो टू रन टू गेट मैरी पोर्सिया, उसकी पोर्सिया जेसिका से शादी कराता है, इसकी जेसिका से शादी करने में हेल्प कराता है। इसके ऊपर एक्शन कर सकते हो जो बुक में नहीं दिया हुआ, जो बुक में नहीं दिया हुआ है, जब कैरेक्टर्स कैसे, तो पूरा लिखना चाहिए इस पर्सन के बारे में। और फिर लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो, लास्ट में आप लिख सकते हो कंक्लूजन, लिख सकते हो कंक्लूजन, नहीं तो कंक्लूजन पहले कुछ और पॉइंट है तो वो लिख दो। तो मेरे को एक पॉइंट ना था वीक साइड, अब वीक साइड के लोगों का परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन है, तो वो तो क्या आपके परसेप्शन हो, आपको भी किसी पर्सन किस टॉपिक में वीक साइड मिली हो तो उसकी वीक साइड लिख दो। यहाँ पे वीक साइड आप क्या लिख सकते हो, किसका जो पैसिविज्म, जो उसका जो पैसिव होना, जो उसका नेचर था ना पैसिव होना, इसको लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो ये इसका एक खराब नहीं करता, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता था तो लोग इसको वीक समझने लगते थे, क्योंकि लोग रिएक्ट नहीं करता था सिचुएशंस पर, एडवर्स सिचुएशन पर भी रिएक्ट नहीं करता था, एकदम स्टॉइक रहता था विदाउट एनी इम्पैक्ट, विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑफ फीलिंग, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा एकदम रहता था, तो लोग इसको वीक समझते थे, लोग इसको वीक समझते थे। तो ये लिख सकते हो, और ये आप चाहो तो ये कोट भी लिख सकते हो कि एक बार ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल में उसने अपने आप को भी क्या कहा था कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको मार देना चाहिए, वो पूरा सेंस आप चाहो तो याद करके लिख सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं, इतना भी मत रटना कि भूल ही जाओ सब कुछ, ठीक है। तो लिख सकते हो कन्फ्यूजन, लिख सकते हो कन्फ्यूजन में आपके अकॉर्डिंग एंटोनियो कैसा इंसान है कैसा नहीं, कैरेक्टर स्केच में तो भी लिखोगे ना ये कन्फ्यूजन में कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं, कैरेक्टर स्केच में तो भी लिखोगे, तो अब आप अल्टीमेट लिख सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग एंटोनियो कैसा है इंसान है कैसा नहीं, तो अब बताओ कि हाँ वो अच्छा है, ठीक है। बेशक वो फ्रेंडशिप में ये भी लिख सकते हो कि वो उससे जेलसी करता था, फ्रेंडशिप में ये भी लिख सकते हो कि वो जेलसी करता था, ये है ना, ये भी पॉइंट लिख सकते हो। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो उसका कैरेक्टर, उसकी क्वालिटी लिख सकते हो समराइज करके कि वो काफ़ी अच्छा है, ऑल दो उसके अंदर कुछ कमी होती है, कुछ कमी है जो लोगों को पसंद नहीं आते, और एक वो भी लिख सकते हो कोई फ्रेज लेके भी एंडिंग कर सकते हो, जो मैंने आपको बोला है कि अगर आप कोई फ्रेज आपके प्रोवर्ब लेके एंडिंग करते हो तो बहुत अच्छा रहता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एवरी कॉन हैज इट्स टू साइड्स, एवरी कॉन हैज टू साइड्स, किसी को हेड पसंद आती है तो किसी को टेल, किसी को अच्छाइयाँ दिखाई देती है तो किसी को बुराइयाँ दिखाई देती हैं, तो हर इंसान में दोनों चीज़ें होती हैं, बस देखने वाले को फ़र्क पड़ता है कि देखने वाला अच्छाइयाँ देख रहे हैं बुराई देख रहे हैं। तो एंटोनियो भी कुछ ऐसा ही था, अच्छाइयाँ भी थी बुराइयाँ भी होती हैं किसी में, तो इस तरह से आप न्यूट्रल रहकर अपने कोई तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट ना करके ख़त्म कर सकते हो। अब ये तो मैंने एक पढ़ा, और इस एक के अंदर जो कंटेंट लिखा था वो तो मैंने यहाँ पे फिट करा दिया। अब आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, क्या सर ये जो आपने एक के अंदर से तो आपने प्रूफ करा दिया कि सारे कैरेक्टर्स के पॉइंट के अंदर का जो कंटेंट है क्या अपने हेडिंग्स में फिट हो जाएगा, तो हाँ
अब उसमें प्रूफ कैसे कराऊंगा, उसका प्रूफ आपको चाहिए होगा ना। एक तो आपने बता दिया था, लेकिन आएंगे तो बहुत से, तो वो भी क्या सारे इस तरह से क्लासेस हो सकते हैं नहीं उनके। तो उसका प्रूफ लेके हम कोई एक और करके देख लेते हैं, तो कोई एक हम करके देख लेते हैं, बसैनियों का करके देखें, पोर्चा का करके देखें। पोर्चा कर लेते हैं, पोर्चा इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और पोर्चा के हम थोड़ा पढ़ भी चुके हैं। तो पोर्चा के बता रहा हूँ, तो जो मैंने पांच हेडिंग बताई थी, पांच में से चार मैंने आपको कंपल्सरी बताई है, इंट्रोडक्शन वाली, क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर वाली, इंपॉर्टेंट रोल वाली, और एक कंक्लूजन। ये चार पॉइंट तो हमेशा आपको लिखने लिखने और बन जाएंगे, जो बुक में जो कंटेंट दिया है उससे बन जाएंगे, और जब चैप्टर पढ़ोगे पूरा एक्ट पढ़ोगे तब आपको बन जाएंगे। आप ये नहीं कि यहाँ से रटने लग जाओ, और हो सकता है आपके पास दूसरी बुक में जो कैरेक्टर्स के लिखे हैं आप दूसरी बुक से पढ़ो, दूसरी बुक से कुछ वर्ड ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। आप पोर्शा के बारे में पढ़ते हैं, पोर्शा क्या है। पोर्शा प्लेस अमंग शेक्सपियर्स हेरल्ड्स वेरी हाई, वो कह रहा है पोर्शा की जो पोजीशन है ना, पोर्शा की जो जगह है वो शेक्सपियर की जो हीरोइन वाली जो पोजीशंस होती है ना उसमें सबसे ऊपर, उसमें बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। शी इज अ लेडी ऑफ हाई बर्थ, शी इज अ लेडी ऑफ हाई बर्थ कल्चर एंड रिफाइन, तारीफ कर रहे हैं कि वो एक ऐसी लेडी है जिसका बहुत बड़े लोगों में गिनती होती है, कल्चर बहुत बड़े खानदान से, मतलब कैसे बहुत अच्छे कल्चर से बिलोंग करती है, रिफाइंड, ठीक है। अब रिफाइंड का मीनिंग पता नहीं उन्होंने क्या निकाला है, पता नहीं। सिज फिजिकली एंड मेंटली ब्यूटीफुल, वो फिजिकली ब्यूटीफुल और मेंटली ब्यूटीफुल है। मेंटली ब्यूटीफुल होने का मतलब काफ़ी क्लेवर है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। मेंटली ब्यूटीफुल होने का मतलब है इंटेलिजेंट होना। सी इज साउंड मोरल इन रेशनल सेंस, एक तो साउंड मोरल है यानी जो जितनी भी मोरल वैल्यू की जो बातें करती हैं उनमें लॉजिक्स होते हैं, और रेशनल सेंस वो जितनी भी सेंसिबल वो सारी बातें सेंसिबल करती हैं, सारी बातों में क्या होता है रेशनल होता है, रेशनल मतलब भी क्या होता है लॉजिक। सी बिलीव इन फिलियल ड्यूटी, ये एक वर्ड लिखेंगे फिलियल ड्यूटी, सोशल कोड्स एंड कस्टम, फिर एक ही वर्ड आया तो लिख लो उसको साथ ही साथ लिखते चलो। ड्यूटी का वर्ड तो पता होगा, क्या होता है ड्यूटी का मीनिंग, मतलब सर एक तरीके से सर मतलब कुछ काम है वो हमको करना ही करना है, कुछ काम है जो मैं करना ही करना है, ठीक है। और फिलियल मतलब होता है पेरेंटल ड्यूटी, पेरेंटल मतलब ऐसी ड्यूटी जो मैं पेरेंट्स की वजह से मिली है, जो मैं पेरेंट्स की वजह से मिली है। अब ये वाले हम पढ़ चुके हैं, तो कैसे पढ़ चुके हैं, आपको पता है ना पोर्शा के जो फादर थे उन्हीं की इच्छा थी ना कि उनकी बेटी की शादी ऐसे इंसान से जो इन सारे टेस्टों में पास हो जाए, यानी वो अपने पेरेंट्स से जो जो पेरेंट्स की वजह से जो ड्यूटी मिली थी वो ड्यूटी को फॉलो कर रही थी नहीं कर रही थी। तो फिलियल ड्यूटी का मतलब होता है पेरेंटल ड्यूटी, पेरेंटल ड्यूटी, पेरेंटल ड्यूटी में देखना इसका सिंपल सा ड्यूटी गॉट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, गॉट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, ऐसी ड्यूटी जो हमें क्यों मिली है अपने पेरेंट्स की वजह से मिली है, ठीक है ठीक है। तो वो इन चीज़ों में भरोसा रखती थी, अगर उसके फादर उससे कुछ बोल के उनके पेरेंट्स से बोल के गए हैं तो उस चीज़ को वो उनकी बातों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी, उनको करती थी। सोशल कोर्स, सोशल कोर्स में भरोसा रखती थी कि सोसाइटी में कैसे हो रही, कैसे हो रही है, तौर तरीकों में ध्यान रखती थी, कस्टम्स रीति रिवाजों में भरोसा रखती थी। सी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल दैट वन डिजायर्स टू सी इन अ वुमन, एम्बॉडीमेंट आप लिखते तो सिंबल, वो एक सिंबल है, वो एक सिंबल ही मत कहो बोलो आप इसको, एम्बॉडीमेंट को आप लिख सकते हो, एम्बॉडीमेंट को कैसे क्या लिख सकते हो, आपको पता है अवतार कैसे कहते हैं, अवतार आप इसको अवतार लिख लो, ए वी टी ए आर, ए वी टी ए आर, यानी वो एक अवतार है, एक अवतार है सर, किस चीज़ का अवतार है, ये उन सारी इच्छाओं का अवतार है जो कोई भी इंसान, जो कोई भी इंसान एक लेडी के अंदर देखना चाहता है, यानी लेडी एक एक अच्छी लेडी के अंदर, एक अच्छी वुमेन के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज इसके अंदर, नो वंडर, नो डाउट, कोई डाउट करने की बात नहीं है। सी इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर मैनी मैन, हाँ नो डाउट काफ़ी लोग उससे अट्रैक्ट होते थे। सी इज एडमायर्ड बाय वन एंड ऑल, ईच एंड एवरी वन, वन एंड ऑल मतलब क्या होता है, एक एक हर एक हर एक हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, हर कोई उसकी तारीफ करता था। तो उसकी तारीफ की गई है, मैंने क्वालिटी वाला पॉइंट तो सर इसमें आ ही जाएगा, और लग रहा है कि क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही है इसके अंदर।
ठीक है। शी इज वेरी बोल्ड, शी इज वेरी बोल्ड, कैपेबल, रिसोर्सफुल एंड अ वुमेन ऑफ इनिशिएटिव एंड अ वुमेन ऑफ इनिशिएटिव। वो काफी बोल्ड है, काफी बहादुर है, काफी कैपेबल है। कैपेबल मतलब है कुछ भी काम को करने के लायक है। रिसोर्सफुल है यानी कोई भी चीज़ जरूर, किसी को अगर हेल्प चाहिए होती तो ये उसकी हेल्प भी कर देते हैं, यानी हेल्पफुल भी है। एंड अ वुमेन ऑफ इनिशिएटिव, अगर कोई चीज़ पहली बार करना हो तो कोई भी काम पहली बार करने से डरती नहीं है, ये फर्स्ट मूवर है, ये फर्स्ट मूवर है, फर्स्ट मूव भी कर देती है, फर्स्ट मूवर है ये। वेन द न्यूज़ ऑफ डेंजर टू हर हस्बैंड एंड एंटोनियो अराइव्स फ्रॉम वेनिस, सी एट वंस टेक्स द चार्ज ऑफ द सिचुएशन। वो कहता है जब वो, जैसे अब ये बता रहे हैं चीज को, बता रहा है बोल्ड को प्रूव कर रहा है, ये बोल्ड की वो बोल्ड कैसे बोल्ड को प्रूव कर रहे हैं उसके अंदर, कि जैसे ही इसको पोर्सिया को खबर मिलती है, क्या खबर मिलती है कि उसका जो हस्बैंड है, जो उसका जो होने वाला जो हस्बैंड है, उसका दोस्त, उसकी जो दोस्त है ना, उसके दोस्त की जान खतरे में है, उसके दोस्त की जान खतरे में। सर किसके दोस्त की जान खतरे में? बसेनियो का दोस्त यानी एंटोनियो जान खतरे में। जैसे इसको पता चलता है पोर्सिया को कि एंटोनियो की जान खतरे में है, सी एट वंस टेक्स द चार्ज ऑफ द सिचुएशन, तो वो सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेती है, तो वो सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेती है, यानी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। बसेन इज स्टंड बाय द न्यूज, बसेन तो सरप्राइज हो जाते हैं, सरप्राइज होते हैं, चौंक जाता है, एकदम चौंक जाता है न्यूज से। बट सी बिगिंस टू प्लान टू फेस द सिचुएशन, यानी वो काफ़ी रिसोर्सफुल है, काफ़ी हेल्पफुल और इनिशिएटिव है। वो बेचारा खड़ा खड़ा चौंक गया, एकदम खड़ा खड़ा एकदम खड़ा रह गया बेचारा, और ये प्लानिंग करने लगी कैसे उसकी हेल्प की जाए, कैसे उसकी हेल्प की जाए, कैसे सिचुएशन को फेस किया जाए। सी सेंड्स बसेनी अवे टू वेनिस, वो बसेनी को अपने पास से भेज देती है वेनिस में, विद अ फ्यू क्रिस्प है ना, विद अ फ्यू क्रिस्प बिजनेस लाइक इंस्ट्रक्शंस। क्रिस्प मतलब क्या? इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ, कि तुम वहाँ पे जाओ, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, इससे तुम्हारी दूसरी जान बच जाएगी, है ना। एंड अ जेनरस सप्लाई ऑफ मनी, और काफ़ी सारे पैसे भी देती है, काफ़ी सारे पैसे भी देती है। सी थिंक्स ऑफ अ डेयरिंग प्लान, सी थिंक्स ऑफ अ डेयरिंग प्लान ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, वो उस पल स्पर ऑफ द मोमेंट। अगर मैं स्पर का मीनिंग आपको बताऊँ तो स्पर ऑफ मोमेंट पूरा बताऊँ, स्पर लिखूँ, स्पर अलग से लिखूँ, एट दैट मोमेंट। अच्छा स्पर ऑफ द मोमेंट का मिलना लगता है इमीजिएटली, पूरे का मिलना लगता है स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब होता है एट दैट मोमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं लोहे के डंक पर काम करना, कुछ ऐसे बोलते हैं लोहे के डंक पर काम करना, आपने अगर सुना हो तो कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं आ रहा है। तुरंत की तुरंत, तुरंत एकदम इमीजिएटली एक्शन लेना, ठीक है। तो सी थिंग्स ऑफ अ डेयरिंग प्लान ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी वो तुरंत की तुरंत क्या करते हैं, डेयरिंग प्लान, एक खतरनाक है, एक डेयरिंग वाला, हिम्मत वाला प्लान, जिसमें हिम्मत चाहिए होती है, एक ऐसा प्लान सोचती है। सी थिंक्स ऑफ डॉक्टर बेलेरियो, सी थिंक्स ऑफ डॉक्टर बेलेरियो, वो डॉक्टर बेलेरियो के आदमी सोचती है, प्रोक्योर्स अ डॉक्टर टू गाउन एंड अपीयर्स इन द कोर्ट, वो डॉक्टर बेलेरियो के आदमी सोचती है, ठीक है। अब ये बेसिकली, अब ये जो सीन आ गया ना, अब आपको समझ में नहीं आएगा इसके आगे, अब इसके आगे जो है ना, अब ये ट्रायल सीन चला, ट्रायल सीन, तो ट्रायल सीन वाला ना मतलब इसके मतलब सारा दिया हुआ है। चलो फिर भी मैं पढ़ाई दे रहा हूँ, आना नहीं चाहिए पर फिर मैं बता दे रहा हूँ, ताकि हमारा अब चीज़ क्लियर हो जाए कि एग्जाम में हम लिख कैसे पाए, ठीक है। सी थिंग्स ऑफ ये एंड प्रोसेस एंड प्रोसेस द डॉक्टर गाउन, अब वो क्या करती है, डॉक्टर का गाउन पहन लेती है, डॉक्टर के कपड़े जो होते हैं उनको पहन लेती है, मतलब ले आती है उनको, डॉक्टर के कपड़े ले आती है, पहनती नहीं है। प्रोक्योर मतलब होता है लाना, प्रोक्योर मतलब होता है लाना, ठीक है। एंड अपीयर्स इन द कोर्ट एज अ लॉयर, ठीक है। डॉक्टर का गाउन तो वो लेकर आती है, लेकिन कपड़े कौन से पहन के आती है, लॉयर के कपड़े कौन से पहन के आती है, लॉयर के, टू सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो, टू सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो। इतनी पढ़ी लिखी भी होती है कि ये एज अ लॉयर वहाँ पर क्लेमिंग करने चली जाती है, एंटोनियो के अगेंस्ट केस चल रहा है, एंटोनियो के अगेंस्ट केस चल रहा है। अब एंटोनियो के अगेंस्ट केस क्यों चला, ये मैं थोड़ी सी आपको समरी दे दूँ, तो एंटोनियो ने साइलॉग से पैसे लेते, एंटोनियो ने साइलॉग से पैसे लेते और बसेनियो की हेल्प करने के लिए, ठीक है। एंटोनियो को भरोसा था कि जब तक पैसे देने का टाइम आएगा तब तक मेरे सिप वगैरह वापस आ जाएंगे, मेरे सिप वगैरह वापस आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो मेरे को मेरा पैसा मिल जाएगा, जब मेरे को मेरा पैसा मिल जाएगा तो मैं साइलो को पैसे दे दूंगा, तब मैं साइलो को साइलो का पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन उसके सिप हो जाते हैं बहुत लेट, ठीक है। फिर दूसरी तरफ बसेने भी कहता है कि जब मैं शादी कर लाऊंगा
तो शादी करके आके मैं जल्दी से जल्दी पोर्सा से पैसे लेके तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि पोर्सा भी पैसे वाली है। लेकिन बसेनो भी लेट हो जाता है, बसेनो भी वहाँ पे क्या हो जाता है, लेस और लेट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पे क्या कर रहा होता है, टेस्ट दे रहा होता है शादी के, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे लेट हो जाता है। तो इस टाइम पर सैलो क्या कर देता है, केस कर देता है। सैलो क्या कर देता है, एंटोनियो के ऊपर केस कर देता है कि ये वह है ना, कि ये मेरा पैसा नहीं दे रहा है, कि ये मेरा पैसा नहीं दे रहा है, समझ से इतने पैसे लेते हैं, ये मेरे को मेरा पैसा नहीं दे रहा। तो अब ये केस कोर्ट में चल रहा होता है, तो इस टाइम पर फिर क्या करती है, कोर्ट से आती है और उसकी हेल्प करने के लिए रेडी जाती है और उसका लॉयर बन के आती है। सी प्लीड्स द केस ब्रिलियंटली इंटेलिजेंटली एंड सेव्स एंटोनियो फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। जॉ मतलब होता है पंजे, जॉ मतलब क्या होता है, पंजे, पंजे हाथ होते हैं ना, हाथ, तो जानवरों के हाथों को क्या बोलते हैं, हथेले नहीं बोलते, पंजे बोलते हैं। तो वो कह रहा है सी प्लीड्स, प्लीड्स मतलब होता है, प्लीट्स का मतलब होता है जो लॉयर जो काम करते हैं ना आपके अगेंस्ट, बोलते हैं और आपको बचाते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं प्लेडिंग करना, वकालत, हिंदी बोलते हैं वकालत। तो वहाँ पर वकालत करती है आपके केस को बहुत ब्रिलियंटली और इंटेलिजेंटली, और एंटोनियो को डेथ के पंजों से, एक मौत के पंजों से बचा लेती है। हर स्पीच ऑन द क्वालिटी ऑफ मर्सी विल बी रिमेम्बर्ड फॉर जनरेशन टू कम। अब ये भी मैं नहीं बता पाऊंगा क्या क्वालिटी ऑफ मर्सी है, क्वालिटी ऑफ मर्सी में पूरा एक सीन है। तो वो ही कह रहे हैं कि उसकी स्पीच जो थी क्वालिटी ऑफ मर्सी के ऊपर, वो याद रखी जाएगी फॉर जनरेशन टू कम, आने वाली जनरेशन तक, आने वाली जनरेशन तक याद रखी जाएगी, और हाँ आने वाली जनरेशन याद रखी जाएगी, और इतना याद रखी जाएगी, इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला सीन। कभी कभी ना एग्जाम में आपके इस लेवल पे तो पता नहीं, पर जब आप 11th 12th में पढ़ोगे, 11th 12th में पढ़ोगे जब भी आप, तो क्वेश्चन कभी कभी सीन के ऊपर आया था कि ये सीन प्ले कीजिए, सीन एक्सप्लेन करो, क्वालिटी ऑन मर्सी, क्वालिटी ऑन मर्सी, एक क्वेश्चन ही आया था कि क्वालिटी ऑन मर्सी एज पर पोर्सिया, पोर्सा के क्या व्यूज हैं, पोर्सा के क्या थॉट्स हैं, पोर्सा के क्या ओपिनियंस हैं मर्सी के ऊपर, ये एक्सप्रेस करो। तो इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आया था, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सोचिए तो मैं यहाँ पे एक लाइन में एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता। फिर कह रहा है इट इज अन स्ट्रेंथ, ये उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी कॉमन सेंस दैट मेक हर विन द बैटल इन द कोर्ट। ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये उसकी इंटेलिजेंस है, इसका कॉमन सेंस है, जिसकी वजह से वो कोर्ट में अपना केस जीत पाई, है ना। इसे डिस्कस करें, उसमें हिम्मत दिखाती है, वो कॉन्फिडेंस दिखाती है, ताकत दिखाती है अपनी स्पीच में, ठीक है, जो भी वो कोर्ट में बोलती है। दस इट इज द वेरिड एंड रिच नेचर ऑफ दैट अपील्स टू बी टू द रीडर। वो कह रहा है ये एक डिफरेंट, एकदम ये वेरिड मतलब क्या डिफरेंट, तो ये ना एकदम बिल्कुल ही वेरिड, एकदम से अलग नेचर ये है, जो लोगों को, जो भी रीडर्स को क्या होता है, अपील होता है, जो रीडर्स को क्या होता है, अपील होता है, जो रीडर्स को ऐसा लगता है एकदम अलग ही लोग दिखाई देता है। और रिच नेचर, रिच मतलब यहाँ पे पैसे वालों से नहीं है, रिच मतलब यहाँ पे पैसे वालों से नहीं, रिच मतलब यहाँ पे है ज़्यादा, मतलब उसकी जो नेचर की जो क्वालिटी है उसको ज़्यादा थोड़ा एग्जेजरेट करना, उस चीज़ को बता रहा है। वैन सी लव, वैन सी लव से इट इज़ विद ऑल हर हार्ट, वो क्या, एंड वैन सी गिव्स हर सेल्फ टू बसेन, इट इज़ विद कम्प्लीट सरेंडर, वैन सी गोज इन फॉर अ प्रैक्टिकल जोक, इट इज़ विद फुल ऑफ फुल जेस्ट। एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड, एक न्यू वर्ड ये केवल ऐसे सोच में नहीं उठता हूँ। तो वो कह रहा है वैन सी लव्स इट इज़ विद ऑल हर हार्ट, जब वो कोई भी किसी भी चीज़ को प्यार करती है तो अपने पूरे दिलो जान से उसको प्यार करती है, इट इज़ विद ऑल हर हार्ट, यानी अपने दिलो जान से, अपने पूरे दिलो जान से उसे प्यार करती है। एंड वैन सी गिव्स हर चार को बसेने, और जब वो शादी कर लेते हैं बसेने, जब उसको, जब वो अपने आप को बसेने को सौंप देती है, इट इज़ विद कम्प्लीट सरेंडर, तब वो कम्प्लीटली अपने आप को बसेने के खिलाफ, वो बसेने के साथ छोड़ देती है। एंड वैन सी गोज इन फॉर अ प्रैक्टिकल जोक, अगर आप उसके जोक देखो, अगर आप इस लाइन के साथ जोक पढ़ो, पता नहीं क्यों लिखा है उन्होंने, अगर आप इस लाइन के एक जोक पढ़ो, जोक पढ़ो, तो ये जेस्ट है, तो ये क्या है, जेस्ट है, जेस्ट मतलब क्या होता है, जो जेस्ट मतलब मैं क्या बोलूँ, टेस्टी, टेस्ट लिख सकते हो आप, टेस्टी मतलब एक ऐसा जोक है जिसको सुन के आप हंसी आई जाएगी, इस लाइन को काट देना, उसको लिखना है बिल्कुल। सिंस ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब पता है क्या था, फनी, वो काफ़ी ह्यूमरस भी है, विटी, काफ़ी चालाक भी है। इस वाले में तो आपको सेकंड पॉइंट ना क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर वाला, वही बहुत बड़ा बनेगा। सी लव टू लाइट हार्टेडनेस एंड ह्यूमर इन लाइफ, उसको लाइट हार्टेडनेस और ह्यूमर पसंद लाइफ है, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, वो दिल को हल्का रखती है अपने को, ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेती है और अपनी लाइफ में ह्यूमर रखती है, उसको ये पसंद है। द कंक्लूडिंग एपिसोड ऑफ द रिंग्स शो, ऑफ द रिंग्स शो फोर्सेस ह्यूमन कैरेक्टर, अभी एक रिंग शो होता है, एक रिंग एपिसोड होता है, उसके बाद कहते, वो कह रहे हैं द कंक्लूडिंग एपिसोड ऑफ द रिंग्स, एक रिंग शो होता है, एक रिंग एपिसोड होता है, तो वहाँ पर जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है क्या,
वो उसमें निकाल दिखाई देता है कि पोर्चर का जो ह्यूमन कैरेक्टर है कितना साउंड है, ठीक है सैनिक को काट देना जैसा कोई दिक्कत नहीं। सी रिफ्लेक्ट द रिफ्लेक्ट द लव फॉर अ गुड प्रैक्टिकल जोक, सी नोज दैट बसेनी हैड गिवन हर अ ड्रिंक जोक बट सी आस्क टू बसेनी। अब वो कह रहा है सी नोज दैट बसेनी हैड गिवन हर अ ड्रिंक। अभी अब जिस सीन की बात चले ना, इस सीन की बात अब इस सीन में ऐसे के लिए रेफर किया जाता है, अब क्वेश्चन ही बताता हूँ पूरा सीन रिफ्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा। वो जानती है, वो जानने के बावजूद भी बसेनी से पूछती है कि तुमने मुझे रिंग दी है क्या, तुमने मुझे रिंग दी है क्या, तो पूछती है व्हाट रिंग गिव यू माय लॉर्ड, आपने कौन सी रिंग दी है, आपने मुझे कौन सी रिंग दी है। नॉट दैट आई होप विच यू रिसीव ऑफ मी, नॉट दैट आई होप विच यू रिसीव ऑफ मी, सी एंजॉय द डिस्कम्फिचर। चलिए वर्ड्स देखते चलो, अभी नए नए वर्ड्स आ गए लास्ट में। डिनाई का मतलब तो पता होगा मना करना, सी माई फिंगर पता ही हैज को हैज बोलते हैं पता ही है, एम्यूजिंग लिख लो, एम्यूजिंग मतलब फनी है ना, डिस्कम्फिचर का मैंने बता रहा हूँ, वो सब रियल हीरोइन हीरोइन। ठीक है एक ही वर्ड है गया आपका, ये लिख लो सी एंजॉय द डिस्कम्फिचर ऑफ बसेनी हु इज टोल्ड टू से ना कहना, इसको आप लिख सकते हो ना कहना, सी एंजॉय द ना कहना नहीं, सी एंजॉय द डिफीट, हाँ डिफीट लिख लो इसको। डिस्कम्फिचर का मीनिंग क्या लिख लो आप, डिफीट डिफीट। अब पढ़ते क्या लिखा है, सी नोज दैट बसेनी हैड गिवन हर रिंग, वो जानती है कि बसेनी ने उसे एक रिंग दी है, वो जानती है कि बसेनी ने एक रिंग दिया उसे, बट सी आज को बचाने पर खड़ी हुई पूछती है व्हाट रिंग्स गिव यू माय लॉर्ड, आप माय लॉर्ड आपने मुझे कौन सी रिंग दी है, यानी उसी से पूछते बचाने से बचाने आपने मुझे कौन सी रिंग दी है। नॉट दैट विच यू रिसीव्ड ऑफ मी, मेरे ख्याल से वो तो नहीं दी ना जो आपने मुझसे ली थी, वो उसी से बोलती है ये चीज़ कि वो तो नहीं दी जो मैंने ही आपको दी थी, कि ऐसा नहीं आपने जो मैंने रिंग आपको दी वही आपने रिंग मेरे को लौटा के दे दी हो, वो ऐसा बोलती है। फिर लिखा हुआ है सी एंजॉय द डिस्कम्फिचर ऑफ बसेनी हु इज फोर्स्ड टू से। अब थोड़ा सा ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि एक्ट हमने पढ़ा नहीं है, ये वाला सीन हमने पढ़ा नहीं है। फिर कहते सी एंजॉय द डिफीट ऑफ बसेनी हु इज फोर्स्ड टू से, वो ये अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी उस टाइम पे वो एंटोनियो से ना बोल देता है कि हाँ, उन्होंने ना बोल देता कि नहीं ये वाली नहीं मैंने दूसरी रिंग तुम्हें दी है, जबकि झूठ होता है तो वो झूठ को भी एंजॉय करती है, वो झूठ को भी एंजॉय करती है। फिर कहता है कहती है वो आई हैव टू डिनाई इट, मैं मना करूंगी, बट यू सी माई फिंगर हैज नॉट रिंग अपॉन इट, बट आप देखो आपने तो मुझे रिंग दी ही नहीं है, बट आप देखो आपने तो मुझे रिंग दी ही नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में तो कोई रिंग है ही नहीं, इट इज गॉन, ये तो जा चुकी है। ठीक है अब वो कह रहा है कि मनी मन में वो हंस रही होती है, मनी मन में ये सीन चला होता है तो वो हंस रही होती है, दस ही एंजॉय द एम्यूजिंग सिचुएशन, तो एक फनी किस्सा बन जाता है ये उसके दिमाग में, सामने लोग तो सीरियस हैं पर उसके माइंड में जो वहाँ पे भी जो हो रहा है, छोड़ देना भी कहाँ पे हो रहा है समझोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, तो एक माइंड में उसकी एक फनी सिचुएशन बन गई, वो सिचुएशन को एंजॉय कर रही है। फिर लिखा हुआ है लास्ट में समरी, पोर्शिया जो है रियल में एक रियल हीरोइन हीरोइन है, इन द सेंस दैट शी इज द ओनली कैरेक्टर हु एक्ट हीरोइकली इन एवरी सिचुएशन द प्ले, और ऐसा इसलिए नहीं कि बस हम उसकी तारीफ करना चाह रहे हैं कब सुंदर है, इस ये हम उसको हीरोइन क्यों बोल रहे हैं, वो कह रहा है हम इसको हीरोइन इस सेंस से बोल रहे हैं कि इस प्ले के अंदर कितना भी इंपॉर्टेंट से डिफिकल्ट केस आया हो, डिफिकल्ट सिचुएशन आई हो, वहाँ पे उसने अपनी समझदारी से सारे अच्छे डिसीजन लिए, सारे अच्छे डिसीजन लिए, तो बिल्कुल हीरोइन जैसा उसने काम किया है। अब यहाँ पे अभी क्या क्या हेडिंग बन सकती है, पहला इंट्रोडक्शन कि पोर्शिया है कौन, तो पोर्शिया है कौन तो लिखो वो कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है, जगह का नाम क्या था जहाँ की वो रहने वाली थी, जगह का नाम क्या था जहाँ पे की वो रहने वाली थी। हेलो हेलो
हाँ जी सर। क्या हुआ, कहाँ चले गए? नहीं सर, वो बैग बंद था, मेरे को लगा ऑन है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली थी पुरसी? सर बेलमंड। बेलमोंड। तो बताओ कि पुरसी बेलमोंड की रहने वाली थी। उसका वहाँ पे बहुत बड़ा पैलेस था बेसिकली, पूरे आइलैंड पर, आइलैंड पर उसका बहुत बड़ा घर था, ठीक, काफी रिच थी। ये बताओ उसके बारे में इंट्रोडक्शन में उसकी, ठीक, काफी रिच थी, ठीक है। वो काफी, मतलब इस कह दो कि एक तरह से वो प्रिंसेस थी वहाँ की। वो क्या की, कौन थी? प्रिंसेस थी, ठीक है। तो अगर मैं इसका बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो? अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हो उसके, कि वो कहाँ की रहने वाली थी? एक तो बेलमंड की रहने वाली थी, ठीक है। वहाँ की प्रिंसेस थी, वो साइलेंट पे रहती थी। एक प्रिंसेस है, वो कहीं पैसे वाली है, ठीक है, रिच है वो, ठीक है। जिस टाइम पर उसका इसके अंदर जिक्र किया गया है, उस टाइम पर उसकी शादी की प्रोसेस चल रही थी, ट्रायल ऑफ मैरिज। चलिए छोड़ देना, मतलब लिखना ट्रायल ऑफ मैरिज, ठीक है। ये लिख देना कि वो किससे प्यार कर रही थी। लव सु बसेनियो, वो बसेनियो से प्यार कर रही थी, ये लिख देना इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तीन चार लाइन ही हो गई आपके। फिर आप लिख सकते हो हर कैरेक्टर। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ऊपर जो मैंने हेडिंग लिखवाई थी ना, क्वालिटीज एंड कैरेक्टर, क्वालिटीज और कैरेक्टर, तो क्वालिटीज एंड कैरेक्टर को पता है क्या लिखोगे आप एग्जाम में? उसकी हेडिंग ये लिखना, हर या फिर हिज, हर या फिर हिज कैरेक्टर, है ना, हर या फिर हिज कैरेक्टर, या फिर हर या फिर हिज क्वालिटीज, है ना। आप कैरेक्टर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हर वर्ड और हिम वर्ड जरूर दिखाना, लिख के आना हर कैरेक्टर। तो क्या क्या कैरेक्टर्स के लिखोगे? तो पहले तो क्वालिटीज लिखनी, इसके अंदर क्वालिटीज, क्वालिटीज अब मैं लिख लूँगा, अब मैं लिख लूँगा। मैं यहाँ पर बता, आपको इनमें से जो जो याद हो जाए, जितना याद हो जाए सारी चीज़ लिख देना, जितना याद हो जाए, जितना ही याद हो जाए, ठीक है। अब इनको याद करने के लिए क्यों बोला हूँ कि जो वर्ड्स है ना, ये हमारी जनरल लैंग्वेज के यूज से थोड़ा डिफरेंट है, तो इनका जो ठीक इम्प्रेशन पड़ता है वो अलग ही पड़ता है, ठीक है। वो आप लिख देना। अब कैरेक्टर क्या होता है, तो कैरेक्टर में पहले तो यहाँ पे क्वालिटी लिख देना, क्वालिटी, ठीक है। फिर कैरेक्टर बताना उसकी बोल्डनेस के बारे में, बोल्डनेस, 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 बोल्डनेस में बताना कि कैसे उसने एंटोनियो के कोर्ट में हेल्प की, कैसे उसने एंटोनियो के कोर्ट में हेल्प की और दूसरी जगह की हेल्प केयर में। नहीं, ये लिख देना, चलो एक 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 ही पॉइंट लिख देना कि उसने कैसे कोर्ट में उसकी एंटोनियो की हेल्प की, चालक से हेल्प की, ये चीज़ आप यहाँ पे कैरेक्टर में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और इसका थर्ड पॉइंट के लिख सकते हो आप चाहो। अब देखो इसका थर्ड पॉइंट नहीं बन रहा है, तब क्या कर सकते हो, दो पॉइंट अलग कर सकते हो। एक हर कैरेक्टर वर्ड अलग कर सकते हो, हर क्वालिटीज अलग कर सकते हो। सर आपने इसमें डिसएडवांटेज तो बताया नहीं, मेरे को तो वीक साइड भी लिखी थी, वीक साइड। तो वीक साइड अगर आपने देखी होगी तो इसमें तो वीक साइड कुछ पता ही नहीं चली, इसके अंदर तो सेक्सपेंस की वीक साइड लिखी ही नहीं है, बल्कि तारीफ ही की है, बल्कि तारीफ ही की है। सर लेकिन मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे हम अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके अंदर सर हम एक ये वीक साइड तो उसकी लिख सकते हैं ना कि सर जो भी सूटर्स आए थे हाँ वो सर मतलब वो उनकी बुराई कर रही थी एक तरीके से जो थी। हाँ इसके ना आप उसका बिहेवियर लिख सकते हो। एक तो रोल लिख देना, इसका रोल है ना, एक तो उसका रोल लिख देना, यहाँ पे अकेडमी में आ जाना, बिहेवियर, बिहेवियर लिख सकते हो।
जो आपको पता चलता है। हाँ ये तो भूल गए थे सबसे स्टार्टिंग बिहेवियर, उसका बिहेवियर कि उसका जो बात करने का तरीका था वो काफी गलत था। वो किसी से घोड़ा बोल रही थी, किसी से बोल रही थी कि इससे तो बढ़िया मैं शादी ना करूँ, मैं कुंवारी रहूँ जिंदगी भर, ठीक है। हाँ तो आप उसका बिहेवियर लिख सकते हो, और बिहेवियर लिखने के बाद फिर आप कंक्लूजन लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी आप कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, 1 2 3 4 5, वो 5 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। और 6 7 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है, 6 7 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। हर कैरेक्टर हो गया, क्वालिटीज हो गए, रोल हो गया उसका, बिहेवियर आप लिख दोगे और कंक्लूजन आप लिख दोगे, ठीक है। तो यानी कि आपको बेसिकली मेनली क्या करना है, एक बार सारे कैरेक्टर कैरेक्टर के बारे में पढ़ लो, मतलब सारे तो मैं नहीं बोलूँगा, जो भी एग्जाम में आने की चांसेस हैं। तो अब मेरे चांसेस तो मेरे ख्याल से वही है जो सीन टू तक डिस्क्राइब हो चुके हैं, सीन टू के बाद के लोग आने नहीं चाहिए, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं पेपर बनाता तो मैं ये बनाता, तो मैंने पढ़वाया है, या फिर मैं बच्चों को स्पेसिफिकली बताता कि ये अभी हमने पढ़ा नहीं, बस वीडियो में एग्जाम में देंगे, तो टीचर ने आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ कि टीचर कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे, जितना पढ़ाए उतना ही देंगे। तो इसमें क्या करना, तरीका मैंने आपको बता दिया कि पहले तो एक बार सारे कैरेक्टर्स के पढ़ो, सारे मतलब जो जो एग्जाम में एप्लीकेबल है वो पढ़ लो एक बार, एक बुक से नहीं दो बुक से पढ़ो, दो बुक से नहीं गूगल से पढ़ो, 4 बार पढ़ लो, और उनको ना इतनी अच्छी तरह समझ लो कि अब आप उसको इजीली 4 5 हेडिंग्स में कहते हैं क्लासिफाई कर लो बस, और 4 5 हेडिंग्स में क्लासिफाई कर लो ना, उनको अभी से लिख के रख लो, उनको अभी से लिख के रख लो, बाद में नहीं, बाद में नहीं, अभी से लिख के रख लो ताकि ये बाद में काम में आए, और डेली उनको 5 5 10 मिनट रिवाइज कर लो केवल। आप एक कैरेक्टर्स कैसे देंगे, 5 5 मिनट केवल उनको रिवाइज कर लोगे तो आपका हो जाएगा। इनको रोज़ पढ़ने का, रोज़ टाइम देने की जरूरत जरूरत नहीं है, आप इन कैरेक्टर्स को रोज़ टाइम मिल सकते हैं। और आप सोचो कि पूरे याद करके हो तो पूरे याद करके लिखना ही बेकार है, आपको की पॉइंट्स याद रखनी है कि क्वालिटीज़ क्या क्या, तो क्वालिटीज़ याद रख लो 4 5, ये नहीं कि सर इसके अंदर पूछ रहे हैं 10 12 क्वालिटीज़ नहीं है, तो 10 12 पॉइंट हम बोले जो नहीं, आप 7 8 वर्ड याद कर लो काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेना, मैं कोई दूसरा कैरेक्टर कर रहा हूँ या फिर मैं एक लेटर करा दूँ अभी मैं, लेटर करा दीजिए। हाँ आई थिंक पर्सनल का तो आप वही फॉर्मेट लिखना जो जिस स्कूल में कराया है आपके, है ना, वही फॉर्मेट लिखना, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट आपका, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा, फर्स्ट पैराग्राफ बार बार आपको रुक रहा है, यू हैड बीन, अच्छा फर्स्ट पहले टॉपिक देते हैं, यू हैड बीन रूड टू योर फ्रेंड, ओहो आप अपने फ्रेंड से रूड हुए हो, अब राइट अ लेटर टू हिम और हर लड़का हो या लड़की हो, अपोलोजाइजिंग फॉर योर बिहेवियर, क्या होता है अपोलोजाइज का मतलब, माफी मांगना, आपको सॉरी लेटर लिखना है, आपको क्या लिखना है बेसिकली, एक सॉरी लेटर लिखना है। तो ठीक है मैं बीच वाला, मैं फर्स्ट वाला कंटेंट अभी पूछ लूंगा, मैं आपका थर्ड वाला पूछ रहा, मेरे को बीच वाला पैराग्राफ होता है ना, 3 पैराग्राफ लिखते हैं बेसिकली आपको पता है, तो बीच वाला कंटेंट क्या लिखेगा मेरे को जरा इसमें ये बताओ केवल, सोच लो। मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ अभी क्या टाइम हो रहा है, 3:54, 6 मिनट ले लो आराम से सोचने के लिए, चाहिए तो अगर आपको चाहिए तो एक बार में सोचो, 4 5 पॉइंट आप जितने भी लिख सको, सॉरी लेटर में कोई भी स्टोरी बना सको जिसकी वजह से आपका मूड खराब हुआ हो, फिर आपने उससे भी गलत तरह से बात की, आप सॉरी बोलना चाहते हो, आपने फिर उसे रूड बिहेव किया, सारी चीज़ें सोच लो एक बार, स्टोरी बना लो अपने दिमाग में, पहले सोचने में पूरा टाइम दिया करो, फिर बाद में लिखना, बाद में बताना, और सोचते सोचते हाथ में पेंसिल ले लो रखो, और जो जो पॉइंट्स आपके हाथ में आते हैं उसको रफ पॉइंट पर लिखते जाओ, ताकि जब आप मुझे समझाओ तो आप उन रफ पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके आप मुझे बता सको।
दो सेकंड का होल्ड करना है ना। हेलो, सोचा आपने? समझ नहीं आ रहा सर, कोई रीजन नहीं मिला गुस्सा होने का। आप सोचो मतलब, आप जो तो आपने कैसे सोचा? आपने सोचा सर मेरे को एग्जाम लिखना है तो मैं क्या लिखूँ? आप सोचो मतलब एग्जाम लिखना है, आप सोचो आपको अपने रियल में किसी फ्रेंड को लिखना है तो रियल में किसी फ्रेंड को तो कब लिखोगे ना, दिमाग पर से गुस्सा हुए होंगे। तो एग्जाम कर लो, किससे गुस्सा हो गए? अब गुस्सा हो गया तो रूड, आपने आप किससे अपने रूड बिहेव किया तो रूड बिहेव करने का कोई रीजन होगा। आप किसी रूडली का बिहेव करोगे, सपोज करो जवान से, जवान से रूडली का बिहेव करोगे जब आपकी अर्जेंट काम कर रहे हो और वो आपको आके डिस्टर्ब करें, एक रीजन ही हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो। ठीक है, आप अब आप वो आप कह रहे हो कि भैया मेरे साथ खेल, आपको खेलने का मन नहीं कर रहा, वो आपको फोर्स कर रही हो, आपको जबरदस्ती कर रही हो, तो आपने चिल्ला दिया हो, आप रूड बिहेव कर दिया हो, एक ये रीजन हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि उसने आपकी कोई चीज़ ख़राब कर दी हो, आपकी चीज़ उठा कर आपकी परमिशन के बिना यूज़ कर ली हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। यानी तो पहले तो आपको रीज़न आइडेंटिफाई करना है कि रीज़न क्या था आपके रूट होने का। तो आप मेरे को कोई भी, मैंने सिर्फ 3 4 रीज़न बोले, आप कोई भी रीज़न रीज़न पकड़ लीजिए, इन 3 4 में से कोई भी रीज़न पकड़ लो, क्योंकि हमें इसमें पहले बताना पड़ेगा कि हम रूट हुए हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम रूड क्यों हैं। तो कोई भी एक रीज़न आप मुझे बताओ, आपको कौन सा रीज़न ज़्यादा अच्छा लगता है? कोई भी, सर हम वो रीजन ले लेते हैं कि सर मतलब हमारी कुछ जरूरी सामान जैसे तोड़ दिया। हाँ मेरे को जरूरी सामान तोड़ दिया, मेरे को जरूरी सामान तोड़ दिया। तो हम एज्यूम करते हैं कि आपका फ्रेंड आपके घर पे आया, खेल रहा था, आप दोनों फुटबॉल खेल रहे थे, उसने आपके ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तोड़ दी गलती से, फुटबॉल पे उसने ऐसा किक मारा कि फुटबॉल जाकर सीधे टच किस हो गई, वो बॉल सीधे जाकर उस इंपॉर्टेंट चीज़ से हिट हो गई और वो चीज़ ऊपर से गिरी और वो टूट गई, दैट वॉज ब्रोकन। ठीक है, और आपने उस टाइम पे उस पर क्या कर दिया, गुस्सा कर दिया, उसको घर से भगा दिया कि जा तू मेरे दोस्त ने, भाग जा यहाँ से, मेरे को नहीं खेलना तेरे साथ। आपने उस टाइम उसके साथ रूडली बिहेव किया, तो ये आप उसको, अब आप उसको सॉरी बोलोगे तो रियल में सॉरी कैसे बोलोगे? आप ये बोलो, आप ये सोचो, लेटर तो छोड़ो, आप हिंदी में बताओ, पंजाबी में बताओ, संस्कृत में बताओ, कैसे बताओ रियल में? आप उससे भी ऐसा थोड़ी क्या, उससे हमेशा गुस्सा रहोगे, आपको बाद में गुस्सा शांत तो होगा ही होगा, आपको समझ आएगा बाद में कि उसने जो किया था वो जानबूझ के नहीं किया, वो तो गलती से हिट हो गया, हो सकता था वो तो उसकी जगह गलती से आपकी किक पड़ जाती, आपकी किक से वो हिट हो जाता, वो तो आपकी किक से भी हो सकता था, खेल तो दोनों ही रहे थे। तो उस टाइम पे जब आपको रियलाइज होता था आप उसे सॉरी बोलते, तो सॉरी बोलते तो कैसे सॉरी बोलते? अब ये सोचो, केवल ये मुझे बताओ, सोचो ही मत, मुझे बताओ सीधे कि अगर आपको सॉरी बोलने जाते हो तो कैसे बोलते सॉरी, वो नहीं बताना है आपको। हाँ सर मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जब पता, जब मेरे को मतलब एकदम से जब मेरे सामने वो कुछ भी मींस ले लें, मैं इम्पोर्टेंट चीज गिरी, तब मेरा माइंड बिल्कुल मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा एंग्री हो गया था, इस चक्कर में मैंने तुम्हारे ऊपर थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर लिया। नहीं ठीक है, मतलब ठीक है, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगे? आप उसको ऐसे भी तो एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक्चुअली मैं उस टाइम पे काफ़ी मतलब मैं गुस्सा में गुस्सा हो गया, गुस्सा होने का रीजन तो करना पड़ेगा कि मैं गुस्सा इसलिए हो गया क्योंकि वो जो चीज़ गिरी थी ना, वो मेरे को किसी मेरे क्लोज वन ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को फर्स्ट बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, तो वो बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और जब वो सडनली वो इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे से डिस्टर्ब हो गई तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो यानी कि पहला आपको क्या लिखना है, उसको सॉरी बोल बोल दो, सॉरी बोलो, और सॉरी बोलने के साथ उसको रीज़न दो,
आप एक अपना रीजन एक्सप्लेन करो कि आपने उसका गुस्सा क्यों किया, और रीजन ऐसा दो कि वो भी कन्विंस हो जाए। जब वो आपके गुस्सा होने से, आपके गुस्सा होने को अगर वो समझ पाएगा तभी तो वो आपको माफ करेगा। अब आप उसको सॉरी बोलो, सॉरी बोलते बोलते उससे बता दो कि सॉरी मैंने गुस्सा किया, पर मेरा गुस्सा करने का रीजन ये था कि जो चीज़ टूटी थी, जो चीज़ टूटी थी वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस था, वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस था। वो मेरे को फर्स्ट बर्थडे पर मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या था, और जब वो टूटा मेरे सामने तो मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं अपने आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने उसको गुस्सा कर दिया, मैंने उस पर गुस्सा कर दिया। पर आई रियली डिडंट मीन इट, मेरा ऐसा कोई करने का कोई मतलब नहीं था, वो तो बस मैंने अपने कंट्रोल से थोड़ा बाहर आ गया था, आ गया था। और आई होप कि तुम मुझे फाइंड कर दोगे और तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगे, दोस्तों के लिए आप ऐसा बोल सकते हो। आई होप यू कैन फाइंड इट इन योर हार्ट टू फॉरगिव मी, तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह होगी जो तुम मुझे माफ़ कर सको। ये लाइन लिख लो बेसिक, आपको अगर लिखना चाहते हो, आई होप यू कैन फाइंड इट इन योर हार्ट टू फॉरगिव मी, आई होप यू कैन फाइंड इट इन योर हार्ट टू फॉरगिव मी, एंड आई स्वेयर टू यू, एंड आई स्वेयर टू यू दैट इज समथिंग लाइक दिस विल नेवर हैपन अगेन। अब मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि अब ऐसा मैं कभी भी नहीं करूँगा, ऐसा मैं कभी भी नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा? अब मैं ऐसा गुस्सा कभी भी नहीं करूँगा, मैं ऐसा जेब कभी भी नहीं करूँगा। ये लास्ट लाइन में लिख के क्लोज कर देना सीन को। और इस वाले लेटर में, अब जो सॉरी लेटर होते हैं, सॉरी लेटर, अब इस वाले कैरेक्टर, इस वाले लेटर में मैं आपको बोलूँगा, हम जो थर्ड पैराग्राफ होते हैं, थर्ड पैराग्राफ कमे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड, अब उस वाले में लिखना ना, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है, बल्कि अगर लिखोगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ तक मैंने ऐसे लेटर देखे हैं ना, जितने भी देखे वहाँ पे ऐसी लाइन लिखी नहीं होती कोई भी, वहाँ पे वो सिंपल सा सॉरी बोल के ख़त्म कर देते हैं। वहाँ पर वो दो पैराग्राफ में क्या कर देते हैं, लेटर को ख़त्म कर देते हैं। और लास्ट में लिख देना, अगर आप लिखना चाहो तो आपके पर्सनल लेटर ही ना, इन्फॉर्मल है ना, तो आप लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो इस वाले केस में जो जो एंडिंग होगी, जो एंडिंग होगी, मुझे नहीं पता आपके किसी ने क्या कर रहा है आपके पास, अगर इसका आंसर हो ना, मॉडल आंसर तो देख लेना। योर सिंसियर फ्रेंड मत लिखना, योर सिंसियर फ्रेंड लिखना, योर सिंसियर फ्रेंड, योर लवलीस्ट फ्रेंड, योर डियर वन, फिर अपना नीचे नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मत लिखना, यहाँ पर आप पता है क्या लिखना, माई सबसे लास्ट में, माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजी, माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजी, अपॉलॉजीज, सिंसियर रेस्ट अपॉलॉजीज, फिर यहाँ पर आपका नेम, फिर यहाँ पर आपका नेम, इसको इस तरह से एंड करना। मुझे नहीं पता आप लिखा हुआ है, लिखा में कैसा लिखा हुआ है, लिखा भी कि नहीं लिखा, आई थिंक इस वाले तो लिखी भी नहीं है, तो प्रैक्टिस पेपर टू में लिखे हुए, तो इस वाले के साथ ये लिखना, माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज, ठीक है, और कॉमा लगा कर योर नेम, कॉमा लगा कर योर नेम, अपना नाम लिख देना, ठीक है। ठीक है, लिख लोगे ये चीज़, इस चीज़ को नोट कर लेना कि माई सिंसियरिटीज वाली, अपोलॉजीज वाली, और वो लाइन, आई होप यू कैन फाइंड इट इन योर हार्ट टू बोलता मैंने, नहीं ऐसे कुछ बोलता मैंने, हाँ, एंड आई स्वेयर यू दैट समथिंग लाइक दिस, नेवर डू समथिंग लाइक दिस अगेन। एक ऐसे एक लेटर हो रहा है, इसको हम देख लेते हैं, योर नेबर्स प्ले म्यूजिक लाउडली एवरी नाइट, ठीक है, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू हिज फादर इन गॉड द स्टेप्स यू विल टेक इफ द स्टेप्स यू विल टेक इफ द डिस्टर्बेंस डज नॉट स्टॉप। अच्छा है, न्यू होगा, न्यू होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक आपने ऐसा पहले लिख रहे होंगे मेरे ख्याल से, ऐसा कंप्लेंट लेटर तो लिख ही रहे हो, कंप्लेंट आप उनको वार्निंग भी लिखोगे, यहाँ पे कंप्लेंट तो है ही है, कंप्लेंट तो है ही है, आप साथ में क्या बता रहे हो, वार्निंग भी दोगे, तो फर्स्ट टाइम होगा आपका। तो पहले तो कह रहा है योर नेबर्स प्लेज म्यूजिक लाउड एवरी नाइट, इसलिए कभी कभार करते हैं, रोज की बात है, आपके आसपास के जो बच्चे हैं है ना, बैठे बैठे टूरिज्म, वो रोज रात में देर रात तक क्या करते हैं, लाउडली साउंड प्ले करते हैं, ठीक है, तो आपको उन्हें नेबर्स के यानी नेबर्स में जो बच्चे होंगे उन बच्चों के फादर को क्या लिखना है, उन बच्चों के फादर को क्या लिखना है, यानी अपने पड़ोसी, आपके पड़ोस में जो सबसे बड़े लोग होंगे, उनके घर में जो सबसे बड़ा इंसान होगा, आपको उन्हें एक लेटर लिखना है, एक कंप्लेंट लेटर लिखना है, ठीक है। और कंप्लेंट लेटर में सिंपल सा उन्हें ये बताना है कि अगर ये हरकत नहीं रुकी
तो मैं कुछ ये करने वाला हूँ, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा। तो मेरे साथ ये था कि अगर आपके आपके पास आस पड़ोस में अगर ऐसा कुछ होता है, वही अगर जो नेबर है वही अगर ऐसा करते हैं, तो आप उनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हो, आप ले क्या सकते हो एक्शन? आपको क्या लगता है कि आप क्या एक्शन ले सकते हो, ले भी सर हम सकते हो नहीं ले सकते कंप्लेन हो, कर सकते हैं। किससे कंप्लेंट? पुलिस क्यों आपकी हेल्प करेगी? सर क्योंकि मीन्स हमको तकलीफ हो रही है एक तरीके ठीक है, आपको तकलीफ हो रही है तो फिर आप अगर उनके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखोगे तो फिर उनको तकलीफ होगी, फिर क्या वो आपके ऊपर दोष नहीं लिख सकते हैं? कंप्लेंट नहीं करा सकते? सर। अब ये चीज डिपेंड करती है, अगर हम फ्लैट में रह रहे हैं सेक्रेटरी को लिखेंगे। अच्छा, तो ये तो आप अपनी सिचुएशन बता सकते हो, तो यहाँ पे कुछ कह नहीं रहा कि आप घर में रहते हो, यहाँ पे तो अगर आपके पास अगर सेक्रेटरी वाला आंसर है तो आप सेक्रेटरी वाला लिख सकते हो, तो आप बनाओ, ट्राई करो। सेक्रेटरी को क्या लिखोगे? सेक्रेटरी को लिखने से क्या होगा? मतलब सर हम मतलब बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, रात को हमारी स्लीप भी पूरी नहीं हो पाती, फिर सुबह हमको काम मतलब बच्चों को स्कूल जाना होता नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, आप वो आप प्रॉब्लम बताओ तो अपनी। मैं कह रहा हूँ आपके कंप्लेंट करने से क्या होगा, आप कंप्लेंट क्यों करो ये नहीं पूछा। आपके कंप्लेंट करने से आप सेक्रेटरी को कंप्लेंट करोगे तो फिर क्या होगा, उन नेबर का क्या होगा? मतलब वो उनको एक बार वार्निंग देंगे, फिर वो नहीं मानेंगे तो उससे निकाल भी सकते हैं। अच्छा, आप उन्हें धमकी दे सकते हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और कोई रीज़न? और कुछ? और सर हम ये भी कर सकते हैं, मेरी सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं बाकी इकट्ठा कर हम मतलब उनकी बुराइयां कर सकते हैं एक तरीके से, तो उनका जो स्टेटस लेवल है वो बहुत डाउन हो जाएगा। आप उनको उनकी जो कम्युनिटी है, जिनकी कम्युनिटी बनी हुई है, उनकी कम्युनिटी से बाहर निकलवा सकते हो। हाँ ठीक है, ये भी एक रीज़न अच्छा है। हाँ ये दो रीज़न काउंट कर रहे, चलना हम लिखने हैं ये। और मैं तो सुपर निकलवा रहा हूँ, हमें बिस्किट इतना डिटेल में लिखने की जरूरत है भी नहीं। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप क्या क्या लिख सकते हो, मैं आपको इसका तरीका बताऊँ, इसका तरीका क्या होगा लिखने का। इसमें ना पहले तो भी इंट्रोडक्शन वगैरह ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका तो फर्स्ट पैराग्राफ बनेगा, मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लेना बेसिक यहाँ पे कहीं पे। यहाँ पर तो 3% है, यहाँ पे मतलब ना आई एम फाइन विद द ब्लेस ऑफ गॉड, यहाँ पे नहीं आएगा है ना, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे जो आपका सबसे पहले बनेगा वो आपका जो हेड बनेगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन का बनेगा। आप अपने नेबरहुड में लिख रहे हो लेटर, तो अपने नेबरहुड वाले को बताओ कि आप हो कौन, आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, आपका फ्लैट नंबर, अगर आप फ्लैट की बात करो तो फ्लैट की लिखो, आपको घर बिल्कुल जस्ट बगल में तो लिखो, जस्ट बिसाइड यू है ना, जस्ट बिसाइड योर हाउस पे लिख सकते हो। तो पहला काम क्या है, अपना इंट्रोडक्शन देना कि जो आप लिख रहे हो आप हो कौन, आप जो लिख रहे हो लेटर आप हो कौन, अपना इंट्रोडक्शन लिखो। इंट्रोडक्शन में अपने कॉलम लिख देना, एक लाइन में, एक लाइन में क्या लिख देना, तो आपके घर में आपके बच्चे हैं, रात में देर तक क्या करते हैं, बहुत देर तक क्या बजाते हैं, गाना बजाते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं, ठीक है, एक लाइन कॉलम लिख देना, ये इंट्रोडक्शन में। पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ जो होगा आपका सेकंड पैराग्राफ, वहाँ पर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी है, यहाँ प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी है। आपको पहले प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उनके गाना बजाने से आपका प्रॉब्लम क्या है, तो नहीं पढ़ाई वगैरह की जो भी आपकी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम से देना, पढ़ाई करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, एग्जाम चलने तो लोग नाइट नाइट स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को डिटेल में, डिटेल में कैसे, डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करो, डिटेल में प्लस वर्ड में। अब डिटेल में लिखने के बाद, डिटेल में लिखने के बाद एक लाइन यहाँ पे लिखना, एक लाइन यहाँ पे लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ, लिखो, इट विल बी इसे प्लस के आगे लिख लेना, ठीक है, इस प्लस के आगे
एक लाइन आपको वार्निंग देने से पहले आपको एक चीज लिखनी है, वार्निंग जब भी आप दो ना तो उससे पहले एक चीज लिखनी है, इट विल बी गुड फॉर हिम। बुक में आपके हिम दिया ना इसलिए, बुक में आपके हिम दिया ना इसलिए, बुक में हिज दिया है, तो मानिए कि नेबर में कोई एक बच्चा है जो ये हरकत कर रहा है, अगर बहुत सारे बच्चे होते तो दे लिखा होता, देयर फादर लिखा होता, वहाँ पर हिज फादर लिखा होता, यानी किसी एक बच्चा है, किसी एक बच्चे की हरकत है जो रात में देर रात तक गाना बजाता है, तो मैं इसलिए हिम लिख रहा हूँ केवल सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हुए। तो देखो इट विल बी गुड फॉर हिम, इट विल बी गुड फॉर हिम इफ़ यू एडवाइज हिम, इफ़ यू एडवाइज हिम, अगर आप खुद उन्हें एडवाइस देते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी फादर अगर फादर खुद अपने घर ही में ये मैटर सुलझा लें वो तो अच्छा रहेगा, फिर तो मुझे कंप्लेंट करने की कोई जरूरत है ही नहीं है, मुझे कोई एक्शन लेने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि बेसिकली मेरा तो मेन पर्पज है तो ये कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। अब प्रॉब्लम अगर घर में कहने से दूर होती है तो अच्छी बात है, घर में नहीं हो रही है प्रिंट करूँगा, प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो आपने लिख दिया इट विल बी गुड फॉर हिम इफ़ यू एडवाइज हिम, फुल स्टॉप लगाती है, अदरवाइज आई विल बी, ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, अदरवाइज आई विल बी बाउंड टू रिपोर्ट द सेक्रेटरी टू टेक सम प्रिकॉशनरी एक्शन, हम एक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, वो तो मैंने आपसे जानना चाहता कि आप कर क्या कर सकते हो, आपको क्या क्या पता है, हम डिफाइन नहीं करेंगे हम क्या क्या करेंगे, हम बस वार्निंग दे रहे हैं उन्हें, हम पूरी चीज़ें बताएंगे कि हम ये कर देंगे, हम आपको यहाँ से बाहर निकाल देंगे, काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, हम उसमें धमकी दे रहे हैं कि आप ऐसा बंद कर दोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, हम कुछ अपने प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेंगे। इट विल बी गुड फॉर हिम इफ़ यू एडवाइज हिम अदरवाइज वी वो सॉरी अदरवाइज आई सेल बी बाउंड आई सेल बी बाउंड टू रिपोर्ट द सेक्रेटरी टू टेक सम प्रिकॉशनरी एक्शन टू टेक सम प्रिकॉशनरी एक्शन अगेंस्ट दिस लाउड म्यूजिक प्रॉब्लम अगेंस्ट दिस लाउड म्यूजिक प्रॉब्लम, लाउड म्यूजिक के अगेंस्ट में एक प्रॉब्लम अपनी वो रिपोर्ट लिखूंगा, दूसरा एंड ऑल्सो अगेंस्ट हिम एंड ऑल्सो अगेंस्ट हिम और उस बच्चे के अगेंस्ट में रिपोर्ट लिखवाऊंगा, ये बच्चे की हरकत है, गाने से प्रॉब्लम है लेकिन गाना कौन बजा रहा है, वो बच्चा बजा रहा है तो बच्चे से ही प्रॉब्लम है, ऑल्सो अगेंस्ट हिम। थर्ड पैराग्राफ में थोड़ा सा पोलाइट हो जाओ ताकि सामने वाला रूड को ऐसा ना लगे कि आप रूड हो गए, तो पोलाइटली एक रिक्वेस्ट और कर दो उससे कि आप हो सके तो आप खुद इसको घर में मैनेज करा लो, आप हो सके तो आप उसको खुद ही घर में मैनेज कर लो, एक पोलाइटली क्या कर लो, एक लास्ट में रिक्वेस्ट कर लो। अब रिक्वेस्ट कैसे करोगे, तो रिक्वेस्ट जब भी क्या करो देर फोर से याद क्या करो, जब आप कंप्लेंट करने का रिक्वेस्ट करो ना कंप्लेंट करने का तो देर फोर से स्टार्ट क्या करो, तो लिखो आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू पानी रहा हूँ जी सर ना, तो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा था आपको, लिखो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू
रिक्वेस्ट यू टू रिक्वेस्ट यू टू नॉट टू अलाउ योर सन नॉट टू अलाउ योर सन नॉट टू अलाउ योर सन आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू नॉट टू अलाउ योर सन टू प्ले सच म्यूजिक टू प्ले सच म्यूजिक विद हाई वॉल्यूम या विद लाउड वॉल्यूम विद हाई वॉल्यूम या लाउड वॉल्यूम कुछ भी रख लो एट नाइट सिंपल सा खत्म और लास्ट में थोड़ा थैंकिंग भी लिख दो और थैंकिंग भी लिख के लिख दो योर से सिंसियरली योर नेम है ना ये क्लोज करता हूँ मैं अभी है ना क्लोज करता हूँ ठीक है फिर हम थोड़ा क्लोज क्लोज करते हैं ना अभी बाकी आप होमवर्क में देख लेना और तो होमवर्क तो कुछ है नहीं बेसिकली मामा